प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सब लोगों का संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में प्रभु परमेश्वर के नाम में आप सबका मैं स्वागत कर रहा हूँ। प्रभु परमेश्वर ने आज हमें आज की शाम एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, इसलिए हम परमेश्वर हमारे जीवित परमेश्वर का हम तह दिल से शुक्रिया करते हैं। आइए आज की शाम हम गीत द्वारा ये परमेश्वर को हम समर्पित करें, उनके नाम को हम ऊँचा करें, क्योंकि हमारे जीवित परमेश्वर वो जानते हैं हमारे किस हमें किस बात की ज़रूरत है, हमारी आवश्यकताओं को, हमारे ज़रूरतों को, हमारी सभी चीज़ों को पूरा करने वाले केवल वही एक जीवित प्रभु परमेश्वर है। तो हम ये गीत परमेश्वर को समर्पित करेंगे। जिस स्थान पर है आप उसी स्थान से ये गीत मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं, परमेश्वर का नाम ऊँचा करें। ये गीत है, मेरे मांगने से ज़्यादा मेरी सोचने से अच्छा मुझे मैंने पाई है आशीष यीशु से। जी, परमेश्वर ने हमारे मांगने से ज़्यादा, हमारे सोचने से कई गुना अधिक ज़्यादा अपने आशीषों से हमें भर दिया है। इसलिए इस गीत द्वारा हम ये परमेश्वर को, ये गीत हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे, उनके नाम को हम ऊंचा करें। आइए आप ये गीत हम मेरे साथ गाएं। मेरे मांगने से ज्यादा मेरी सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से।
मेरे मांगने से ज्यादा। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाओ जहां मैं तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं तू तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना के अग्रचर में बढ़ते हुए आज देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुनः एक बार अपनी भेंट, फिर एक बार हमारी मुलाकात दर बुधवार, हर बुधवार के दिन सोशल मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा देव हम भेंट कर देते, परमेश्वर हमें मिलाते हैं। देव हमें धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। अपने सर्वांची उपस्थिति, आप सबकी मौजूदगी, घर घर अपनी उपस्थिति, घर घर में आपकी मौजूदगी, यह आनंद है, यह आनंद की योग्य है, आदर करना है, आदर की योग्य है, देव से विस्तार करना है, परमेश्वर के कार्य का विस्तार कर, देव हमें गौरव करता हूँ, उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री मध्य, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री अपने सर्वांशमी, आप सबका मैं देव पुत्र प्रवेश के द्वारे, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगत स्वागत करता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। अपन सर्व सुरक्षित, आप सब सुरक्षित हैं। दर बुधवार अपनी उपस्थिति, हर बुधवार के दिन आपकी मौजूदगी, देव अपना विश्वास बढ़ाता है, परमेश्वर आपका विश्वास बढ़ा रहे, देव हमसे ज्ञान बढ़ाता है, परमेश्वर हमारा ज्ञान बढ़ा रहे, हमारा आत्मा ने बढ़ाना दे, परमेश्वर हमें आत्मा द्वारा बढ़ाने वाले परमेश्वर है। देव से हमें गौरव करता हूँ, उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। जय आशा हमें देवा खड़ा लाओ, जिस उम्मीद से हम परमेश्वर के पास आए हैं, देव हम चाह मनोमग्न करना देव है, परमेश्वर हमारी उम्मीदें तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। देव से हमें गौरव करता, उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। मागिल दोड़ा थोड़े, पिछले दो सप्ताह हमें उन्नति संबंधी पाए ले, हमने बढ़ोतरी के बारे में देखा, वाड़ा संबंधी पाए ले, हमने बढ़ोतरी के बारे में देखा। पूरब ना पश्चिम ना दक्षिण ना उत्तर ना है, ना पूरब ना पश्चिम ना उत्तर ना दक्षिण, उन्नति देवाकड़ा है, बढ़ोतरी केवल परमेश्वर के हाथों, वाड़ा करना देव है, बढ़ोतरी करने वाले केवल परमेश्वर। यह संबंध हमें पाएल, इसके बारे में हमने देखा, हमारी उन्नति हमें देव की इच्छा है, हमारी बढ़ोतरी हो यह परमेश्वर की इच्छा है। तीसरे योहना से पत्र 1:2 मध्ये पाएला आम्ही, हमने तीसरे योहना के पत्र में 1:2 में हमने देखा, आमची सर्व स्थिति, हमारी सभी स्थिति, आमच्या आत्म्यात, हमारी आत्मा, आमची आर्थिक स्थिति, हमारी आर्थिक परिस्थिति, आमची आरोग्याची स्थिति, हमारी चंगाई की स्थिति, अनेक भौतिक स्थिति, और कई सारी हमारी जो पूरी स्थिति जो होती है, सर्व गोष्टीत आम्ही सुस्थिति मध्ये असावे देवाची इच्छा आहे। इन सभी स्थितियों में हम अच्छी स्थिति में बने रहिए, परमेश्वर की इच्छा है। आमचा देव आमची उन्नति करणारा देव आहे, हमारे परमेश्वर बढ़ोतरी करने वाले परमेश्वर है। तेजे आशीर्वाद आमची समृद्धि करना रहे, उनके आशीषों द्वारा हमारी समृद्धि होती, देवाच्या आशीर्वाद आमची समृद्धि होती, परमेश्वर की आशीषों से
हमारी समृद्धि होती है। देवासा मैं गौरव करता हूँ, इसलिए परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। तो तुमचे माझे प्रेम करतो, वो हम पर प्रेम करते हैं। आम्ही एकच ठिकाणी राहावासी देवाची इच्छा नाही आहे। हम एक ही स्थान पर बने रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आमची प्रगती झाली पाहिजे, हमारी बढ़ोतरी हो। आम्ही खाली नहीं तो वर राहिले पाहिजे, हम नीचे नहीं बल्कि हम ऊंचे स्थान पर रहे। सर्व क्षेत्रात आमची उन्नती झाली पाहिजे, सभी क्षेत्रों में हमारी बढ़ोतरी हो। ये देवाची इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। 42:2 अय्यूब 42:2 में लिखा है, देवाची इच्छेला कोणीच प्रतिबंध करू शकत नाही। परमेश्वर की इच्छा को कोई नहीं रोक सकता। तो देवासा मी धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज बाइबल नुसार मी काय गोष्ट बोध घेणार आहोत, आज बाइबल द्वारा हम कुछ चीजों के बारे में देखेंगे। मंडळी संबंध आम्ही पाहणार आहोत, हम कलीसिया के बारे में देखेंगे। देवाने सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप तयार केली, परमेश्वर ने सत्य की जीवित मंडळी फेलोशिप बनाई। जगात अनेक मंडळांमध्ये देवाचं कार्य चालू आहे, इस संसार में कई सारे कलीसिया है जिसमें परमेश्वर का कार्य चल रहा है। मंडळी लहान असो मोठे असो, वो कलीसिया भले छोटी हो या बड़ी हो, देव महान है, लेकिन परमेश्वर महान है। देव सर्व मंडळीतून काम करता है, परमेश्वर सभी कलीसियों द्वारा कार्य कर रहे हैं। ज्या मंडळीत देवाची उपस्थिती आहे, जिस कलीसिया में परमेश्वर की मौजूदगी, त्या मंडळीची तो उन्नति करतो, उस कलीसिया की वो बढ़ोतरी करतो। त्या मंडळीच्या सभासदांची उन्नति करतो, उस कलीसिया के लोगों की वो बढ़ोतरी करते। सर्व स्थितीची तो उन्नति करतो, सभी परिस्थितियों में उनकी बढ़ोतरी करतो। म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते। मंडळी समजे आज पाहणार आहो, हम परमेश्वर की कलीसिया के बारे में देखेंगे। मंडळी हे देवाचं निवास स्थान आहे, कलीसिया हे परमेश्वर का निवास स्थान है। येशु किस म्हणाला आहे, प्रभु येशु मसीह ने कहा, मत्ती 16:18 में, मी मंडळी तयार करण, मैं कलीसिया बनाऊंगा। देवाचा पुत्र प्रभु येशु ख्रिस्तावर मंडळी आज तयार होत आहे। प्रभु येशु मसीह के नाम पर आज सभी कलीसिया तयार होती है। देव म्हणला मी मंडळी तयार करण, परमेश्वर ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा। देव आज मंडळी तयार करत आहे, परमेश्वर आज कलीसिया बना रहे। मंडळी मध्ये देव राहत आहे, कलीसिया में परमेश्वर रहते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा तो मंडळी मध्ये कार्य करत आहे, पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया में कार्य कर रहे। मंडळीची तो उन्नति करत आहे, कलीसिया की बढ़ोतरी कर, मंडळीचा तो विस्तार करत आहे, कलीसिया का विस्तार कर। यासाठी तो मंडळी मध्ये काही गोष्टी चे वरदान, काही गोष्टी चे देणगे तो देतो, इसलिए वो कलीसिया में कुछ वरदानों से, कुछ आशीषों से वो भरते दे। माझी मंडळी, मेरी कलीसिया, उन्नति व्हावी, इसकी बढ़ोतरी, ये देवाची इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा। यासाठी तो मंडळी मध्ये वरदान देतो, इसलिए वो कलीसिया में वरदान देते, अनेक आशीष देतो, अनेक आशीषों से भर देते। यासाठी की मंडळीची वाढ झाली पाहिजे, इसलिए की कलीसिया बढ़ सके। मंडळी संबंधी और कलीसिया के बारे में आज आम्ही पाहणार आहोत, आज हम देखेंगे। बाइबल सांगतो, बाइबल कहती है, आमची आध्यात्मिक उन्नति व्हावी, देवाची इच्छा है, हमारी बढ़ोतरी हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। आध्यात्मिक दाना विषय तुम्ही उत्सुक असावा, हम पूरे वरदानों से हम भरे हुए रहे, ये हम उत्सुक रहे। यासाठी इसलिए आध्यात्मिक दानों में से तुम्ही प्रयत्न करा, आत्मिक वरदानों के लिए हम कोशिश करें। पहले करंथियों 14:12 में हम देखते हैं देव काय म्हणतो, परमेश्वर क्या कहते हैं। तुम्हाला आध्यात्मिक दानाविषयी उत्सुकता पाहिजे, तुम्हें आत्मिक वरदानों के लिए तुम्हें उत्सुकता जरूरी है। आध्यात्मिक दान मिळण्यासाठी खटपट करा, उस आध्यात्मिक आत्मिक वरदानों के लिए तुम पूरी तरह से कोशिश करो, प्रयत्न करा, पूरी कोशिश करो, प्रार्थना करा, प्रार्थना करो, देवाकडे मागा, परमेश्वर से मांगो। या वरदानाची आम्हाला फार गरज आहे, इस वरदान की हमें बहुत जरूरत है। मंडळी मध्ये वरदान असावे, देवाची इच्छा आहे, कलीसिया में वरदान बना रही है, परमेश्वर की इच्छा है। पवित्र आत्मा मंडळी मध्ये कार्य करतो, पवित्र आत्मा कलीसिया में कार्य करतो, पवित्र आत्मा मंडळी मध्ये वरदान देतो, पवित्र आत्मा कलीसिया में वरदानों से भर देता, तो मंडळीची वाढ करतो, वो कलीसिया को बढ़ाता है। मंडळी हे येशू ख्रिस्ताचे शरीर आहे, कलीसिया ये प्रभु येशु मसीह का शरीर है, ते शरीर देव कार्य करता है, उस शरीर में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। आम्ही मंडळीत येतो, हम कलीसिया में आते हैं, आम्हाला देव भेटला पाहिजे, हमें परमेश्वर मिलते, आम्हाला देवाचं दर्शन झालं पाहिजे, हमें परमेश्वर के दर्शन होने जरूरी, आम्हाला देवाचं मार्गदर्शन भेटलं पाहिजे, परमेश्वर का मार्गदर्शन जरूरी। अनेक लोक मंडळीत येतात, अनेक लोक कलीसिया में आते हैं, अनेकांचे प्रश्न आहे, अनेक लोगों के प्रश्न, अनेकांची समस्या आहे, अनेक लोगों की समस्या, अनेक आजार आहे, अनेक बीमारी, अनेक शैतानी बंधन आहे, अनेक शैतान के बंधन, अनेकांच्या गरजा आवश्यकता आहे, अनेक लोगों की जरूरत है। यासाठी आम्हाला मंडळीद्वारे त्या गोष्टीचा पुरवठा झाला पाहिजे, कलीसिया द्वारा ये सब चीजें हमें प्राप्त होनी जरूरी है। येणाऱ्या लोकांस, आने वाले लोगों का आम्ही आगत स्वागत करतो, हम स्वागत करते हैं, येणाऱ्या लोकांचे प्रश्न सुटले पाहिजे, लेकिन आने वाले लोगों के प्रश्न समस्या छूटने जरूरी। लोक मंडळीत अपेक्षेने येतात, लोक कलीसिया में उम्मीद दे लेगे, मोठे आशेने लोक मंडळीकडे येतात, बड़ी उम्मीद लेकर वो कलीसिया में, देव आम्हाला भेटेल, की परमेश्वर हमें मिलेंगे, देव आमचं सांत्वन करेल, परमेश्वर हमारा निवारण करेल, देव मला आरोग्य देईल, परमेश्वर हमें चंगाई देईल, देव मला आशीष देईल, परमेश्वर अपने आशीषों से भर देंगे, देव आमचे प्रश्न समस्या सोडवेल, परमेश्वर अपने हमारे प्रश्न समस्याओं को छुड़ाएंगे। अनेक लोक आशेने मंडळीकडे येतात, अनेक लोक उम्मीद लेकर इस कलीसिया में आते हैं, येणाऱ्या लोकांस, आने वाले लोगों का प्रश्न सुटले पाहिजे, सवाल उनके प्रश्न छूटने जरूरी, आजारी लोक बरे झाले पाहिजे,
बीमारियों को चंगाई मिलनी जरूरी है। शैतानी बंधनातील लोक सुटले पाहिजे। शैतान के बंधनों में जो लोग है उनको चंगाई मिलनी जरूरी है। लोकांचं सांत्वन झालं पाहिजे। लोगों का निवारण होना जरूरी है। लोकांना आशीर्वाद भेटले पाहिजे। लोगों को आशीष मिलने जरूरी है। लोकांचं परिवर्तन झालं पाहिजे। लोगों का मन फिरा होना जरूरी है। सर्व काही बदललं पाहिजे। सब कुछ बदलना जरूरी है। यासाठी देव मंडळीमध्ये वरदान देतो। इसलिए परमेश्वर कलीसिया में वरदान देते। ज्या मंडळीत वरदान नाही आहे, जिस कलीसिया में वरदान नहीं, ती मंडळी अपंग असते। वो कलीसिया अधूरी है। ती मंडळी अधूरी असते। वो कलीसिया अधूरी है। त्या मंडळी देवाचं कार्य पूर्ण होत नाही। उस कलीसिया में परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं होता। एखादा मनुष्य आहे। एक अगर कोई मनुष्य है तो जीवन आपलं जगत असतो। वो अपना जीवन व्यतीत करता है। त्याच्या शरीरामध्ये अर्धांगावी, लेकिन वो अपने शरीर में कहीं से वो अधूरा है। तो अंधळा आहे। वो अंधा है। तो लंगड़ा है। वो अगर लूला है। त्या शरीराला पॅरलिसिस मारलेला आहे। अगर उसे पॅरलिसिस हुआ है तो अपंग आहे। वो अधूरा है। तो पूर्ण जीवन जगू शकत नाही। वो पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। तसं मंडळीमध्ये, वैसे ही कलीसिया में, आमचं तारण होतं। हमारा जब उद्धार होता, हमारा नवीन जन्म प्राप्त होतो। हमें नया जीवन प्राप्त होता। देव आम्हाला आमचं उद्धार करतो। जब परमेश्वर हमारा उद्धार करतो, देव आम्हाला नवीन जन्म देतो। परमेश्वर हमें नया जीवन देतो। देव आम्हाला पवित्र आत्मा देतो। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हमें देतो। देव पवित्र आत्मा आम्हाला वरदान देतो। पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भर देते। ज्या मंडळीत असं होत नाही, जिस कलीसिया में ऐसा नहीं होता, ज्या मंडळीत नुसतं नवीन नव जीवन प्राप्त होतं, अगर कलीसिया में सिर्फ नया जीवन प्राप्त होता, नुसतं तारण होतं, केवल उद्धार होता, त्यापुढे जात नाही आम्ही, उसके आगे अगर बढ़ नहीं पाते, आमची वाढ होत नाही, उसमें हमारी बढ़ोतरी नहीं, त्यामुळे आमची उन्नती होत नाही, जिस कारण हमारी बढ़ोतरी नहीं, आमची उन्नती व्हावी, हमारी बढ़ोतरी हो। यासाठी पौल म्हणाला आहे। इसलिए पौल ने कहा, देव मंडळीला वरदान देतो। परमेश्वर कलीसिया को वरदान देते। देव मंडळीला वरदानाने भरून टाकतो। परमेश्वर कलीसिया को वरदानों से भर देते हैं। देव मंडळीच्या वरदानाद्वारे तो अनेकांकडून कार्य करत असतो। और कलीसिया के वरदानों द्वारा वो अनेक लोगों में कार्य करते हैं। अनेकांच्या गरजा आहे। अनेक लोगों की जरूरत है। अनेकांची आवश्यकता आहे। अनेक लोगों की आवश्यकता। दानाद्वारे, वरदानों द्वारा देव आपल्या सर्व गोष्टी लोकांना पूर्ण करतो। परमेश्वर अपने लोगों को वो सब उपलब्ध कराते हैं। यासाठी मंडळीमध्ये, इसलिए कलीसिया में वरदान असणे फार आवश्यक आहे। वरदान की बहुत जरूरत है। मंडळी दानाने भरली पाहिजे। कलीसिया वरदानों से भरी होनी चाहिए। आत्म्याने भरली पाहिजे। आत्मा से भरी होनी, सामर्थ्याने भरली पाहिजे। सामर्थ्य से भरी होनी, देवाच्या ज्ञानाने बुद्धीने भरली पाहिजे। परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि से भरी हुई, देवाच्या प्रीतीने भरली पाहिजे। परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई। बायबल सांगतो, बायबल कहती, पहिले करिंथी 12:1 मध्ये पाहतो। पहिले करिंथी 12:1 में हम देखते, पौल काय म्हणतो, पौल क्या कहता है, आध्यात्मिक दानाविषयी तुम्ही अजाण असो, देवाची इच्छा नाहीये। आत्मिक वरदानों से हम भरे हुए, ये आपकी इच्छा नहीं है। आध्यात्मिक दानाविषयी, आत्मिक वरदानों के बारे में तुम्हाला माहिती असावी, तुम्हें जानकारी हो। या गोष्टीची माहिती नसले तुमचे नुकसान होईल। अगर ये जानकारी तुम्हें नहीं है तो तुम्हारा नुकसान होगा। यासाठी आध्यात्मिक दानाविषयी माहिती करून घ्या। इसलिए आत्मिक वरदानों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। रूपदानाचे अनेक प्रकार आहे। वरदानों के कई प्रकार है। पवित्र आत्मा त्यामध्ये कार्य करतो। पवित्र आत्मा उसमें कार्य करतो। सेवेचे अनेक प्रकार आहे। सेवा के अनेक प्रकार है। सर्व सेवामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त काम करतो। सभी सेवा में प्रभु येशू मसीह कार्य करते हैं। कार्याचे प्रकार आहे। कार्य के अनेक प्रकार है। सर्व कार्यामध्ये कार्य करणारा देव, सभी कार्य में कार्य करने वाले केवल हमारे जीवित परमेश्वर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा कार्य करता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये कार्य करता है। पहले करिंथी 12:4 मध्ये आम्ही पाहतो। पहले करिंथियों 12:4 में हम देखते, देव आपल्या आत्मनुसार दानाचं वाटप करतो। परमेश्वर अपने इच्छा अनुसार वरदानों को बांटते हैं। लक्षात ठेवा, याद रखिए, मंडळीमध्ये वरदानाची फार आवश्यकता आहे। कलीसिया में वरदान की बहुत जरूरत है। दाना मुळे मंडळी सब पूर्ण होतो। वरदानों के कारण कलीसिया में सभी चीजें उपलब्ध होती है। दाना मुळे, वरदानों के कारण देव आम्हाला समजतो। हमें परमेश्वर समझ आते हैं। देवाचं आम्हाला दर्शन होतो। हमें परमेश्वर का दर्शन प्राप्त होतो। देवाचं मार्गदर्शन आम्हाला मिळतो। परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें मिळतो। देवाच्या सर्व गोष्टी आम्हाला समजतात। परमेश्वर की सभी चीजें हमें समझ आती है। सर्व गोष्टी आम्हाला गोष्टीचा आम्हाला पूर्ण होतो। सभी चीजें हमें उपलब्ध होती है। ज्या मंडळी देवाचं दान आहे, जिस कलीसिया में परमेश्वर का वरदान है, त्यावेळेस त्या मंडळीत आम्हाला देव देवाचं दर्शन होतं। उस कलीसिया में हमें परमेश्वर का दर्शन होता है। देवाचं मार्गदर्शन आम्हाला भेटतं। परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें मिळतं। देवाचं भविष्य आम्हाला समजतं। परमेश्वर द्वारा हम भविष्य जान सकते हैं। आम्हाला देवाच्या सर्व गोष्टी समजतात। हमें परमेश्वर की सभी चीजें समझ आती है। येणाऱ्या लोकांचं, आने वाले लोगों का सांत्वन होतं, निवारण होता है, उन्नती होती, बढ़ोतरी होती, लोक उत्तेजित होतात, लोक उत्तेजित होते, कारण येणाऱ्या लोकांना आशीर्वाद प्राप्त होतात। क्योंकि आने वाले लोगों को आशीष प्राप्त होते। देव त्यांचे मनोदय पूर्ण करतो। परमेश्वर उनकी उम्मीदें पूरी करते हैं। ज्या मंडळीत लोक येतात, जिस कलीसिया में लोग आते, त्या मंडळीतून सर्व गोष्टी पूर्ण झाला पाहिजे। उस कलीसिया में सभी चीजें उपलब्ध होनी जरूरी है। ज्या आशेने लोक येतात, जिस उम्मीद से लोग आते, ते निराश झाले पाहिजे, निराश झाले नाही पाहिजे, वे निराश नाही होणे चाहिए, उदास झाले नाही पाहिजे, उदास नाही होणे। मी देवाच्या मंडळीत आलो, मैं परमेश्वर की कलीसिया में आया हूं, पण माझे मनोदय पूर्ण झाले नाही, लेकिन मेरे मनोकामना पूरी नहीं हुई, मला सांत्वन भेटले नाही, मेरा निवारण नहीं हुआ, मला योग्य शिक्षण भेटले नाही, मुझे
ठीक प्रकार का ज्ञान नहीं मिला, माझे बंधन तुटले नाही, मैं बंधनों से छुटकारा नहीं प्राप्त, लोग निराश उदास झाले नाही पाहिजे, लोग निराश उदास होणे नाही चाहिए, देव आज मंडळीमधून कार्य करत आहे, परमेश्वर आज कलीसियाद्वारा कार्य कर रहे हैं, मत्ती 11:28 प्रमाणे, मत्ती 11:28 मध्ये आओ कष्टी भारकजन तुम्ही सर्व मजकडे या, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ, देव आज लोकांना बोलत आहे, परमेश्वर आज लोगों को बुला रहे हैं, लोग देवाचे चर्च मध्ये येत आहे, लोग परमेश्वर के कलीसिया में आ रहे हैं, अनेक चर्च में लोग भेट देता है, अनेक चर्च में लोग मिल रहे हैं, चर्च ला भेट देने मुझे देवाला भेट देने है, चर्च को जाकर मिलना मतलब परमेश्वर को जाकर मिलना, लोग देवाला भेटने से येता है, लोग परमेश्वर को मिलने के लिए आ रहे हैं, अनेक प्रश्न समस्या घून येता है, अनेक प्रश्न समस्या लेकर वो आ रहे हैं, ते निराश झाले नाही पाहिजे, वे निराश होने नहीं, उदास झाले नाही पाहिजे, वे उदास होने नहीं, त्यांचे आंसू पुसले पाहिजे, उनके आंसू पोंछणे जरूरी है, त्यांना तारण प्राप्त झाले पाहिजे, उनका उद्धार होना जरूरी है, त्यांना जीवन प्राप्त झाले पाहिजे, उन्हें नया जीवन प्राप्त, त्यांना आशीर्वाद प्राप्त झाले पाहिजे, परमेश्वर की आशीष प्राप्त, त्यांच्या डोळ्यात आंसू पुसले पाहिजे, उनके आंसू पोंछणे जरूरी है, त्यांच्या गरजा आवश्यकता पूर्ण व्हायला पाहिजे, उनके जरूरतों को पूरा होना जरूरी है, ज्या मंडळी देव राहतो, जिस कलीसिया में परमेश्वर रहते हैं, ज्या मंडळीत पवित्र आत्मा काम करतो, जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा कार्य करता, त्या पवित्र आत्मा मंडळी मध्ये वरदान देतो, वो पवित्र आत्मा कलीसिया को वरदान देता, वरदानों द्वारा तो लोकांच्या गरजा आवश्यकता पूर्ण करतो, वो लोगों की जरूरतों को पूरी करता, तो मंडळीला समृद्ध करतो, वो कलीसिया को समृद्ध करता, यासाठी आध्यात्मिक दानाविषयी मला माहिती पाहिजे, इसलिए हमें आत्मिक वरदानों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, पहले करिंथियों 12 में हम देखते, देवाने वरदान दाखवलेले आहे, परमेश्वर ने वरदान दिखाया, नौ प्रकार से वरदान दाखवलेले आहे, नौ प्रकार के वरदान दिखाए, तुम्ही घरी ते वाचून पहा, आप वो घर पर पढ़े, अनेक प्रकार के वरदान आहे, अनेक प्रकार के वरदान है, देव काम करत आहे, जिसमें परमेश्वर कार्य कर रहे, लोकांचे प्रश्न समस्या सोडवत आहे, लोग के प्रश्न समस्याओं को छुड़ा रहे हैं, फार महत्त्वाची गोष्ट, बहुत जरूरी बात है, ज्यावेळेस सत्यजी जीवन मंडळी फेलोशिप देवाने तयार केली, जिस दिन सत्य की जीवित मंडळी फेलोशिप परमेश्वर ने बनाई, त्यावेळेस देवाने त्याच्या अगोदर उसके पहले परमेश्वर आमच्या कुटुंबात देवाने पवित्र आत्म्याचा वर्षाव केला, हमारे परिवार पर पवित्र आत्मा का वर्षाव किया, पवित्र आत्म्याने त्याने आम्हाला भरून टाकलं, पवित्र आत्मा द्वारा हमें परमेश्वर ने भर दिया, अनेक वरदानांनी त्याने आम्हाला भरलं, अनेक वरदानों से हमें भर दिया, आमच्या कुटुंबाला भरलं, हमारे परिवार को, त्यातून तो कार्य करू लागला, जिस द्वारा वो कार्य करे, त्यातून तो मार्गदर्शन देऊ लागला, हमें मार्गदर्शन मिलने, त्यातून तो आम्हाला शिक्षण देऊ लागला, हमें सिखाने लगे, सर्व गोष्टी शिकू लागला, सभी चीजें हमें सिखाने लगे, त्यांनी पवित्र आत्म्याद्वारे मंडळीची स्थापना केली, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा इस फेलोशिप की स्थापना की, मंडळी तो मंडळीमध्ये तो कार्य करू लागला, फेलोशिप में वो कार्य करने लगे, येणाऱ्या लोकांचे ते प्रश्न समस्या सोडू लागला, आणि वाई लोगों के प्रश्न का निवारण होने लगा, त्यांनी आम्हाला आज्ञा केली, उन्होंने हमें आज्ञा दी, असे लोक आमच्याकडे घेऊन या, ऐसे लोग मेरे पास लेकर आओ, जे दुखी आहे, जो दुख में है, जे कष्टात आहे, जो तकलीफ में है, जे त्रासात आहे, जो तकलीफ में, जे व्यसनात आहे, जो नशे के आदी है, जे धार्मिकतेचे भुकेले ताणलेले आहे, जो धर्मीपण के भूखे प्यासे, जे आजारी आहे, जो बीमारी में है, जे अनेक बंधनात सापडले लोक आहे, जो अनेक प्रकार के बंधनों में है, जे दारिद्र्यात आहे, जो दरिद्रता में, जे कर्जबाजारी लोक आहे, जो कर्ज में डूबे है, अशा लोकांना माझ्या मंडळीत घेऊन या, ऐसे लोगों को तुम मेरे पास लाओ, अशा लोकांना शिक्षण द्या, ऐसे लोगों को मेरा ज्ञान दो, अशा लोकांसाठी प्रार्थना करा, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करा, अशा लोकांच्या गरजा आवश्यकता मी पूर्ण करेन, ऐसे लोगों की जरूरत की जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, यासाठी मंडळी मध्ये त्यांनी पवित्र आत्मा दिला, इसलिए कलीसिया में उन्होंने पवित्र आत्मा से भर दिया, पवित्र आत्मा चे वरदान दिले, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दिया, त्यातून तो मंडळीत कार्य करत आहे, इसमें वो फेलोशिप में कार्य कर रहे, आज 32 वर्ष तो मंडळीत कार्य करत आहे, आज पिछले 32 वर्षों से परमेश्वर कार्य करत, आम्ही येणाऱ्या लोकांचं आगत स्वागत करत आहोत, आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं, देव मंडळीतून त्यांच्या गरजा पूर्ण करत आहे, परमेश्वर इस फेलोशिप द्वारा उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, देव कोणा निराश करत नाही, परमेश्वर किसी को भी निराश नहीं करते, तो कोणाला उदास करत नाही, किसी को उदास नहीं करते, तो मला तू आते तीन ता आश्वेत करेल, वो कहते हैं कि जो अंदर आएगा उसे मैं आशीषित करूंगा, तू बाहर रहें तो मैं आश्वेत करेल, वो यहां से बाहर निकलेगा तो मैं उसे आशीषित करूंगा, आज 32 वर्ष देव मंडळीत कार्य करत आहे, 32 सालों से परमेश्वर इस कलीसिया में कार्य कर रहे हैं, मंडळीला पूर्ण करत आहे, वो कलीसिया को सभी जरूरतें पूरी करते हैं, याचं कारण काय, इसका कारण क्या है, मंडळीला त्यांनी वरदानाने भरून टाकलेलं आहे, कलीसिया को इस फेलोशिप को परमेश्वर ने अपने वरदान, अनेक प्रकार से वरदान है, अनेक प्रकार के वरदान, त्या वरदान द्वारे मंडळीचं तो कार्य करत आहे, उस वरदानों द्वारा वो इस फेलोशिप में कार्य करत, अनेक जण मंडळीत कार्य करत आहे, अनेक लोग इस कलीसिया द्वारा फेलोशिप द्वारा कार्य कर रहे हैं, मंडळीचं कार्याची पूर्तता करत आहे, वो इस फेलोशिप की कार्य की पूर्तता करते हैं, देवाची मंडळी संबंधी योजना संकल्प है, परमेश्वर की जो इस कलीसिया के बारे में फेलोशिप के बारे में जो योजना तो है, दाना द्वारे वरदानों द्वारा तो मंडळीची उभारणी करता है, वो कलीसिया को खड़ा करते हैं, तो आपल्या इच्छेनुसार लोकांना दान देतो, वो अपनी इच्छानुसार लोगों को वरदानों से भरते हैं, प्रत्येकाला वेगळ्या पद्धतीने तो कार्य करता है,
अलग अलग लोगों में अलग अलग वरदानों द्वारा वो कार्य कर रहे हैं। तो मंडली उभारनी करता है, कलीसिया को खड़ा करता है, तो आत्मा की उभारनी करता है, वो आत्मा को वो लोगों को खड़ा करता है, तो मंडली वाल करता है, वो कलीसिया की बढ़ोतरी करते हैं। हे वरदान होता, ये केवल परमेश्वर के वरदान द्वारा, जहां मंडली वरदान नहीं है, जिस कलीसिया में वरदान नहीं, ती मंडली अपंग है, वो कलीसिया अधूरी है, अधूरी है, वो अधूरी है, तो पूरा हो सकत नहीं, वहां पे पूरी तरह से पूर्णता नहीं हो पाती। बाइबल में हम पाते, बाइबल में हम देखते हैं, मार्क सुवर्तमान, मार्क का पुस्तक नवा अध्याय 18 वचन में जाए पातो, हम 18 वचन देखते हैं। एक मनुष्य था, तेजा मुलगा होता, उसका एक बच्चा था, तेला भूत बाधा लागली होती, वो उसे भूत बाधा हुई, तो शैतानी बंधन होता, वो शैतान के बंधन में था, शैतान त्या मुलाला वेळी त्रास देत होता, शैतान उस बच्चे को बहुत तकलीफ देता, तो वेळी त्याला उसने पाण्यात टाकत असे, अग्नीत टाकत असे, वो शैतान उसे अग्नि में और पानी में उठाकर फेंक देता था, वेळी त्याला तो अपटत होता, वो हर वक्त उसे उठाकर पटकता था, वेळी तो त्रास देत होता, वो हर वक्त उस बच्चे को तकलीफ देता, त्या मुलाच्या बापाने, उस बच्चे के पिता ने, जे येशूचे शिष्य होते, जो प्रभु येशू मसीह के जो शिष्य थे, त्या शिष्यांकडे तो घेऊन गेला, उन शिष्यों के पास वो लेके गए, तो मला माझ्या मुलाला त्रास आहे, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को तकलीफ है, या त्रासातून तुम्ही मुक्त करा, इस तकलीफ से उसे आप मुक्त करें, माझ्या मुलासाठी प्रार्थना करा, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, मी फार आशेने आलेलो आहे, मैं बहुत उम्मीदें लेकर आया, मी फार स्वार्थ ऐकून आलेलो आहे, मैंने आपकी बहुत सुसमाचार सुने हैं, त्यामुळे तो मला माझ्या मुलाला यातून बाहेर काढा, उन्होंने बहुत बिनती की कि मेरे बेटे को आप इसमें से बाहर निकालो, माझ्या मुलाला मुक्ति दिया, मेरे बच्चे को आप मुक्ति दे, त्यांनी शिष्यांना विनंती केली, उसने प्रभु येशु मसीह के शिष्यांनी प्रार्थना केली, शिष्यों ने उसके लिए प्रार्थना की, शिष्यों ने प्रयत्न किए, शिष्यों ने बहुत कोशिश की, तरी पण ते शैतानी बंधन निघाला नाही, फिर भी वो शैतान वो बंधनों से बाहर नहीं निकल, तो मुलगा बंधनातून बाहेर निघाला नाही, बच्चा उस शैतान के बंधनों से बाहर नहीं निकल पाया, शिष्य तिथे अपयशी ठरले, वो शिष्य वहां पे वो असफलता वो प्राप्त हुई, त्यांना ते बंधन तोडता आलं नाही, वो बंधन तोड़ नहीं पाए, तो बाप फार आशेने आला होता, वो बच्चे का पिता बहुत उम्मीदें लेकर आया था, पण शिष्यांना त्या प्रार्थनेवर त्याला मुक्त करता आला नाही, लेकिन प्रभु येशू मसीह के शिष्य को वो प्रार्थना द्वारा वो उनसे नहीं हो पाया, त्यावेळेस मुलाचा बाप, उस वक्त उस बच्चे के पिता ने त्या मुलाला येशू ख्रिस्ताकडे घेऊन गेला, उस बच्चे को वो प्रभु येशू मसीह के पास ले गए, आणि येशू ख्रिस्ताने तिथे बोलला, और वो प्रभु येशू मसीह से उन्होंने कहा, मी तुमच्या शिष्याजवळ माझ्या मुलाला नेलं, मैंने अपने बच्चे को आपके शिष्य के पास ले गया, पण तुमच्या शिष्यांना माझ्या मुलाला बरं करता आलं नाही, लेकिन मेरे बच्चे को आपके शिष्य ठीक नहीं कर पाए, फार आशेने मी गेलो होतो, मैं बहुत उम्मीदें लेकर गया, पण तुमच्या शिष्यांकडून ते काम झालं नाही, लेकिन आपके शिष्यों द्वारा ये कार्य नहीं हुआ, लक्षात ठेवा, याद रखिए, आज भी लोग देवाच्या सेवकाकडे येतात, आज भी लोग परमेश्वर के सेवक के पास, देवाच्या मंडळीकडे येतात, परमेश्वर की कलीसिया में अनेक आशेन लोक येतात, अनेक उम्मीदें लेकर आते, अनेक प्रश्न समस्या घेऊन येतात, अनेक सवाल लेकर आते हैं, प्रश्न समस्या सुटले पाहिजे, उनकी समस्या का निवारण होना, आजार बरे झाले पाहिजे, बीमारियों को चंगाई मिली, बंधन तुटले पाहिजे, बंधनों को उनके तोड़ना जरूरी है, कारण लोक येशू ख्रिस्ताकडे येतात, क्योंकि लोग प्रभु येशू मसीह के पास, येशू ख्रिस्ताने कोणाला निराश केलं नाही, प्रभु येशू मसीह ने किसी को भी निराश नहीं, कोणाला उदास केलं नाही त्यांनी, किसी को भी उन्होंने उदास, बाइबल सांगतं, बाइबल कहती है, प्रेषित 10:38 मध्ये, प्रेरित कार्य 10:38 में, प्रभु येशू ख्रिस्ताला देवाने पवित्र आत्म्याचा सामर्थ्याचा अभिषेक केला, प्रभु येशू मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक किया, तो सत्कर्म करत असे, वो अच्छे कार्य करते, तो लोकांना बरे करत असे, वो लोगों को चंगाई देते, शैतानी बंधनातून लोकांना तो मुक्त करत असे, शैतान के बंधनों से लोगों को मुक्त करते रहे, देव त्याच्यावर होता, परमेश्वर उनके साथ थे, तो लोकांना लोकांची सुटका करत होता, वे लोगों को मुक्ति देते थे, लोकांना तो सांत्वन देत होता, लोगों का निवारण करते थे, आज भी लोग देवाकडे येतात, आज भी लोग परमेश्वर के पास आते, प्रभु येशूची स्वार्थ साक्ष ऐकून लोग मंडळीकडे येतात, प्रभु येशू मसीह की सुसमाचार और गवाही सुनकर वो कलीसिया में आते हैं, मंडळीकडून त्या लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या पाहिजे, कलीसिया द्वारा उनकी उम्मीदें पूरी होनी जरूरी है, आमच्या मंडळीत येणारा माणूस, हमारे कलीसिया में आने वाला मनुष्य निराश झाला नाही पाहिजे, वो निराश नहीं होना, उदास नहीं झाला पाहिजे, वो उदास नहीं होना चाहिए, यासाठी आम्ही खटपट केली पाहिजे, इसलिए हमें बहुत कोशिश करनी, यासाठी पाऊल काय म्हणतो, इसलिए पाऊल क्या कहता है, त्यांनी मंडळीला जागृत केलं, उसने अपनी कलीसिया को जागृत किया, आध्यात्मिक दानाविषयी तुम्ही उत्सुक राहा, आत्मिक वरदानों के लिए तुम उत्सुक बने रहो, तुम्ही देवाजवळ मागा, तुम परमेश्वर के पास मांगो, तुम्ही देवाजवळ प्रार्थना करा, परमेश्वर के पास प्रार्थना करो, देव तुम्हाला देईल, परमेश्वर तुम्हें देंगे, देव तुम्ही येणाऱ्या लोकांचे त्यामुळे घर मनोदय पूर्ण होतील, इसलिए आने वाले लोगों के मनोकामना पूरी होगी, आध्यात्मिक दानाची मंडळीला फार गरज आहे, परमेश्वर की आत्मा वरदानों की कलीसिया को बहुत जरूरत है, त्यासाठी तो म्हणला मागा, इसलिए उन्होंने कहा कि मांगो, मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा, शोधा म्हणजे सापडेल, ढूंढो मतलब तुम्हें मिलेगा, ठोका म्हणजे तुम्हासाठी ओढले जाईल, खटखटाओ मतलब तुम्हारे लिए खोला जाएगा, काय मागितलं पाहिजे, क्या मांगना है, शोधा,
ढूंढो, वरदान मांगा, वरदान मांगो, देवा कड़े पवित्र आत्मा मांगा, परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा से वरदान देवा कड़े मांगा, पवित्र आत्मा के वरदान परमेश्वर देव देण्यास उत्सुक आहे, परमेश्वर देने के लिए उत्सुक है, देव आपला पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हाला सर्व गोष्टी देण्यास उत्सुक आहे, परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हमें चीजें देने के लिए उत्सुक है, तो आपले इच्छेनुसार वाटप करतो, तो अपनी इच्छा द्वारा बांटते, तो आपले इच्छेनुसार दान देतो, अपनी इच्छा द्वारा वो बांटते, पण तो आम्हाला देतो, लेकिन वो हमें देते, आमचा उपयोग मंडळीसाठी तो करतो, हमारा उपयोग वो कलीसिया के लिए करतो, मागितलं पाहिजे, लेकिन मांगा जरूरी, प्रार्थना के लिए पाहिजे, प्रार्थना करनी जरूरी है, तर मंडळीची वाढ होती, तब कलीसिया की बढ़ोतरी होती, मंडळीत येणारे लोक आनंदित झाले पाहिजे, कलीसिया में आने वाले लोग वो खुश होने चाहिए, हे फार महत्त्वाची बात है, ये एक अहम बात है, मी देवाची सेवा करत असताना, मैं परमेश्वर की सेवा करते हुए देव मंडळीतून कार्य करू लागला, परमेश्वर कलीसिया में कार्य करते रहे, अनेक प्रश्न समस्या आल्या, अनेक प्रश्न समस्याएं आई, अनेक गोष्टी माझ्या समोर आल्या, अनेक चीजें मेरे सामने आई, देव माझ्याबरोबर होता, परमेश्वर मेरे साथ है, देव आज 32 वर्ष मंडळीत कार्य करता है, परमेश्वर आज पिछले 32 सालों से कलीसिया में कार्य, मी वेळोवेळी देवाला प्रार्थना करत होतो, मैं हर वक्त परमेश्वर को प्रार्थना करतो, देवा मला वरदान आहे ना भर, परमेश्वर अपने वरदानों से आप मुझे भर दे, तू वरदान आहे ना, अधिक अधिक मला वरदान दे, आप अधिक और अधिक वरदानों से मुझे भर दे, माझी वाढ कर, मेरी बढ़ोतरी कर, माझी उन्नति कर, मेरी बढ़ोतरी कर, अधिक अधिक माझा उपयोग कर, ज्यादा से ज्यादा मेरा उपयोग करो, मैं देवाला वेळोवेळी प्रार्थना करत होतो, मैं हर वक्त परमेश्वर को प्रार्थना करता रहा, देवाने मला पवित्र आत्म्याचं उत्तर दिलं, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा मुझे जवाब दिया, ज्यावेळेस मी घरी प्रार्थना करत असताना, जिस वक्त मैं परमेश्वर को अपने घर पर प्रार्थना, कौटुंबिक प्रार्थना करत असताना, अपनी पारिवारिक प्रार्थना कर रहा, देवाने मला उत्तर दिलं, परमेश्वर ने जवाब दिया, यहोशू 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 यहोशू, आध्यात्मिक दानाविषयी, आत्मिक वरदानों के लिए, तू अजान असाव, तुम अज्ञान रहो, हे बरे नवे, ये अच्छा नहीं, तुला आध्यात्मिक दानाविषयी माहिती नसावी, हे बरे नवे, तुम्हें आत्मिक वरदानों के बारे में तुम्हें जानकारी ना हो, ये अच्छा नहीं है, तू माझा संदेष्ट आहे, तुम मेरे सेवक हो, तू माझा सेवक आहे, तुम मेरे सेवक हो, तू माझा यहोशू आहे, तू मेरे यहोशू हो, मी तुला वरदान देऊन ठेवलेले, मैं तुम्हें वरदानों से भर दिया, ज्यावेळेस मी तू कार्याची सुरुवात केली, जिस दिन तुमने कार्य की शुरुआत की, मी तुला आज्ञा केली, मैंने तुम्हें आज्ञा दी, ज्यावेळेस मी तुला वरदान देऊन ठेवलेले, उस वक्त मैंने तुम्हें सभी वरदानों से भर दिया, तू चालत रहा, तुम चलते रहो, लोग तुझ्याकडे येत राहतील, लोग तुम्हारे पास आते रहे, लोकांसाठी तू प्रार्थना कर, लोगों के लिए तुम प्रार्थना करो, लोकांना तू शिक्षण दे, लोगों को तुम मेरा ज्ञान दो, लोग आजारातून बरे होतील, लोग बीमारी से चंगाई प्राप्त करेंगे, शैताना बंधनातून लोक मुक्त होतील, शैतान के बंधनों से मुक्त होंगे, मी तुला ज्ञान दिलेलं आहे, मैं तुम्हें ज्ञान दिया है, मी तुला बुद्धि दिलेलं आहे, मैं तुम्हें बुद्धि दी है, मी तुला वरदान देऊन ठेवलेलं आहे, सभी वरदान तुम्हें दे दिए, तू चालत राहा, तुम चलते रहो, हे वरदान काम करत राहीन, ये वरदान कार्य, ज्या गोष्टीची तुला आवश्यकता आहे, जिस चीजों की तुम्हें आवश्यकता है, ती प्रकट होत जाईन, वो प्रकट होते रहेंगे, सर्व गोष्टी तुला भेटतील, सभी चीजें तुम्हें मिलेंगे, येणाऱ्या लोकांचं सांत्वन होईल, आने वाले लोगों का निवारण होगा, येणारे लोक बरे होतील, आने वाले लोगों को चंगाई मिलेगी, येणाऱ्या लोकांचा विश्वास वाढेल, आने वाले लोगों का विश्वास बढ़ेगा, मी कोणाला निराश उदास करणार नाही, मैं किसी को भी निराश उदास नहीं करूंगा, मी लोकांचा विश्वास वाढवेल, मैं लोगों का विश्वास बढ़ाऊंगा, मी लोकांच्या आशा मनोदय पूर्ण करेल, मैं लोगों की उम्मीदों को पूरा करूंगा, मी देवाचं कार्य करू लागलो, मैं परमेश्वर का कार्य करने लगा, माझे बरोबर देवाचे सेवक काम करू लागले, मेरे साथ परमेश्वर के कार्य करी काम करने लगे, देव काम करू लागला, परमेश्वर कार्य करने, अनेक लोक आले, अनेक लोग आए, अनेक कष्टी भारकंत लोक आले, अनेक बोझ से दबे हुए लोग आए, मी लोकांचे देवाने प्रश्न सोडवले, परमेश्वर ने उनकी समस्याओं को छुड़ाया, मोठमोठे आजारातून लोकांना देवाने बरे केले, बड़े बड़े बीमारियों से परमेश्वर ने लोगों को चंगाई दी, शैताना बंधनातून लोक बाहेर काढले, शैतान के बंधनों से परमेश्वर ने लोगों को बाहर निकाला, व्यसनातून लोक बाहेर काढले, नशे से बाहर निकाला, दारिद्र्यातून लोक बाहेर काढले, दरिद्रता से बाहर निकाला, लोकांचा त्यांनी उद्धार केला, लोगों का परमेश्वर ने उद्धार किया, लोकांना त्यांनी बदलून टाकलं, लोगों को परमेश्वर ने बदल दिया, हे असं का करतो देव, ये ऐसे परमेश्वर क्यों करते, देवाची उन्नती, देवाच्या कार्याची उन्नती व्हावी, जिससे परमेश्वर की कार्य की बढ़ोतरी, मंडळी तेलाना लोकांच्या गरजा आवश्यकता पूर्ण झाला पाहिजे, कलीसिया में आने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा, कारण ते येशूकडे येतात, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, फार आशेने येतात, बहुत उम्मीदें लेकर आते हैं, इसलिए आमच्या मंडळीत वरदान हवे, इसलिए हमारे कलीसिया में वरदान होने जरूरी है, नसेल तर मागितलं पाहिजे, अगर ना हो तो मांगने जरूरी है, खटपट केली पाहिजे, उसके लिए बहुत कोशिश करनी, बाइबल मध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, लूक सुवर्तन 11:5 मध्ये पाहतो, लूक 11:5 में हम देखते हैं, येशूने दाखला दिलेला आहे, प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, येशू म्हणला मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा, कसं मागायचं, कैसे मांगना, त्यांनी शिकवलं आम्हाला, उन्होंने हमें सिखाया, येशू म्हणला एका मित्राचं त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे, प्रभू येशू मसीह ने एक मित्र का उदाहरण दिया, एका मित्राकडे एक मित्र रात्रीच्या वेळेस आला,
एक मित्र के पास, दूसरा उसका मित्र रात के समय आया, त्यावेळेस मित्राने त्याचा अगोदर स्वागत केलं, उस मित्र ने उसका बहुत स्वागत किया, तो मित्र म्हणाला मला भूक लागलेली आहे, उस मित्र ने कहा कि मुझे बहुत भूक लगी, मला खायस काहीतरी दे, मुझे खाने के लिए रोटी दो, पण त्या मित्राकडे काहीच नव्हतं, लेकिन उस मित्र के पास कुछ नहीं था, त्यावेळेस तो दुसऱ्या मित्राकडे गेला, उस वक्त तो अपने दूसरे मित्र के पास, दूसरे मित्राकडे जाऊन त्यांनी दार ठोकलं, वो दूसरे मित्र के पास जाकर द्वार खटखटाने लगा, त्यांनी त्याला विनंती केली, उसने उसे बहुत विनती की, माझ्याकडे एक मित्र आलेला आहे, मेरे पास एक मित्र है, तो भूकेला तानेला आहे, भूका प्यासा है, माझ्याकडे खावस काय नाही, मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं, तुझ्याकडे जे असेल ते मला दे, तुम्हारे पास जो कुछ होगा वो मुझे दो, त्यावेळेस मित्र आतून त्याने उत्तर दिलं, उस वक्त वो भीतर जो उसका मित्र था उसने अंदर से जवाब दिया, तो म्हणला मी झोपलेला आहे, उसने कहा कि मैं सोया हूं, माझ्याजवळ मुलं आहे, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, ते भी झोपलेले आहे, वे भी सोए हुए, आता मी उठू शकत नाही, अब मैं उठ नहीं सकता, तरी पण तो मित्र त्याला वेळोवेळी त्याला हाक मारत होता, फिर भी वो बाहर खड़ा हुआ जो उसका मित्र था वो उसे बहुत पुकार रहा था, तो म्हणला माझ्या मित्राला मी असं सोडू शकत नाही, उसने कहा कि मैं अपने मित्र को ऐसे छोड़ नहीं सकता, तो काय करूं तू मला दे दे दे, तुम कुछ भी कर मुझे वो दो, त्यावेळेस तो मित्र उठला, उस वक्त वो भीतर से उसका मित्र था वो जाग गया, त्यांनी दार उघडलं, उसने द्वार खोला, त्याच्याकडे जे होतं अन्न त्यांनी त्याला दिलं, उसके पास जो कुछ उसके पास खाने के लिए चीजें थी उसने वो उसके दोस्त को दी, त्यावेळेस मित्र ने अपने मित्राला भोजन दिलं, उस वक्त वो मित्र ने अपने घर आए हुए मित्र को सब भोजन दिया, त्यावेळेस मित्राला समाधान झालं, उस वक्त वो घर पे आए हुए मित्र का सब समाधान हुआ, लक्षात ठेवा, याद रखिए, येशूने हा दाखला दिलाय, प्रभु येशू मसीह ने उदाहरण दिले, मागा मांगो, तो मित्र मागत होता, वो उसका मित्र त्याच्याकडे आलेला पाहुणा भुकेला तानेला होता, उसके पास आया हुआ उसका जो मित्र था वो बहुत भूखा प्यासा था, त्याच्याकडे काही नव्हतं, उसके पास कुछ नहीं था, त्यांनी मित्राकडे जाऊन ते मागितलं, उसने अपने दूसरे मित्र के पास जाकर मांगा, स्वतःसाठी नाही, खुद के लिए नहीं, मित्रासाठी त्यांनी मागितलं, अपने आए हुए मित्र के लिए उसने मांगा, त्याची भूक ताण मागण्यासाठी त्यांनी देवाकडे मागितलं, उसकी भूक और प्यास मिट सके इसलिए उसने वो उससे दूसरे मित्र के पास मांगा, शेवटपर्यंत मागत राहिला, अंत तक जब तक उसे मिला नहीं तब तक वो मांगता रहा, या आग्रहाची विनंती होती, उसकी वो विनती भरी वो प्रार्थना थी, हे दोन गोष्टी हम पाहतो, इसमें दो चीजें हम देखते हैं, त्याने स्वतःसाठी मागितलं नाही, उसने खुद के लिए नहीं मांगा, मित्रासाठी मागितलं, अपने दोस्त के लिए, जोपर्यंत त्याला भेटत नाही, और दूसरी बात वो जब तक उसे मिला नहीं तोपर्यंत तो मागत गेला, तब तक वो मांगता रहा, येशूने आम्हाला शिकवलं, प्रभु येशू मसीहने, मागा मांगो, तुम्हाला तुम्ही वरदान मागा, तुम मेरे पास वरदान मांगो, तुमच्याकडे भुकेले ताने लोक येतील, तुम्हारे पास भूके प्यासे लोग आए, अनेक तरहचे भुकेले ताने लोक आहे, अनेक प्रकार के भूके प्यासे लोग आहे, शांतीचे भुकेले लोक आहे, शांति के भूके, आरोग्याचे भुकेले लोक आहे, चंगाई के भूके, अनेक तरहचे भुकेले ताने लोक आहे, अनेक प्रकार के भूके प्यासे लोग आहे, तुम्हाला त्याला खावा देता आलं पाहिजे, तुम्ही उन्हें खिलाना जरूर आना जरूरी है, तुम्हाला पाणी देता आलं पाहिजे, उनकी प्यास बुझाना तुम्हें आना चाहिए, यासाठी तुम्ही देवाकडे मागितलं पाहिजे, तुम परमेश्वर के पास उसे मांगो, जोपर्यंत देव देत नाही तोपर्यंत तुम्ही मागा, जब तक परमेश्वर देते नहीं तब तक तुम मांगो, स्वतः नहीं खुद के लिए नहीं, इतना सटी मांगा, दूसरों के लिए मांगो, देव कोणते वरदान देतो, परमेश्वर जो कुछ वरदान देते ते आमच्यासाठी नाही देत नाही, वो हमारे लिए नहीं देते, तो इतना सटी देतो, वो दूसरों के लिए देते, देवाने मला वरदान दिलेलं आहे, परमेश्वर ने मुझे वरदान दिए, आज 32 वर्ष देव काम करत आहे, आज 32 वर्ष से परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, देव म्हणला वरदानाचा उपयोग इतरांसाठी होईल, परमेश्वर ने कहा इस वरदानों का उपयोग दूसरों के लिए होगा, तुझ्यासाठी होणार नाही, तुम्हारे लिए नहीं होगा, हे जे काय दान दिलेलं आहे, जो कुछ वरदान मुझे दिए इतरांसाठी मी दिलेलं आहे, वो दूसरों के लिए मैंने तुम्हें, इतरांसाठी प्रार्थना कर, तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, इतरांना मी तृप्त करण, दूसरों को मैं तृप्त करूंगा, इतरांचं सांत्वन करण, दूसरों का निवारण करूंगा, इतरांचे मनोदय मी पूर्ण करण, दूसरों की मनोकामना मैं पूरी करूंगा, हे फार महत्त्वाची गोष्ट, हे अहम बात है, देव आम्हाला दान देतो वरदान देतो, परमेश्वर अपने वरदानों से हमें भर देते, आमचा उपयोग इतरांसाठी करतो, हमारा उपयोग दूसरों के लिए करते, यासाठी मागा, इसलिए मांगो, आमचा उपयोग झाला पाहिजे, तुम्हारा उपयोग होना जरूरी, आमच्याकडून देवाचं कार्य झालं पाहिजे, हमारे द्वारा परमेश्वर कार्य होणार, आमची मंडळी वाढली पाहिजे, हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी, आमच्या मंडळीत येणाऱ्या प्रत्येक लोकांना आनंद प्राप्त झाला पाहिजे, हमारे कलीसिया में आने वाले हर एक मनुष्य हर एक व्यक्ति को आनंद मिलना जरूरी, शांति प्राप्त झाली पाहिजे, वो शांति, लोक निराश झाले नाही पाहिजे, लोक निराश होणे नाही, लोक विश्वासात आले पाहिजे, विश्वास में आने चाहिए, आमची मंडळीची वाढ झाली पाहिजे, हमारे कलीसिया की बढ़ोतरी जरूरी, मंडळीतून कार्य वाढलं पाहिजे, कलीसिया का वरदान, यसली पाऊल म्हणतो, इसलिए पाऊल कहता है, मागा, मांगो, विश्वासाने मागा, पूरे विश्वास से मागत राहा, मांगते रहो, जोपर्यंत देव तुम्हाला देत नाही, जब तक परमेश्वर तुम्हें देते नहीं, तोपर्यंत मागा, तब तक मांगते रहो, देव नक्कीच देईन, परमेश्वर जरूर देगा, जो इतरांचा विचार करतो,
जो दूसरों के बारे में सोचता है, देव त्याचा विचार करतो, परमेश्वर उसके लिए जो इतरांसाठी काहीतरी करू इच्छितो, जो दूसरे के लिए कुछ करना चाहता, देव त्याच्यासाठी पुष्कळ गोष्टी करतो, परमेश्वर उसके लिए बहुत सारी चीज लक्षात ठेवा, ध्यानात ठेवा, स्मरणात ठेवा, याद रखिए, ध्यान में रखिए, उसका स्मरण कीजिए। एके दिवशी एक दिन देवस कार्य करत असताना, परमेश्वर का कार्य करते हुए, सेवा करत असताना, परमेश्वर की सेवा करते, कार्य वाढत चाललं होतं, कार्य बढ़ता गया, आत्मे वाढत चालले होते, परमेश्वर में लोग बढ़ते गए। एका दिवशी एक मुलगी आली, एक दिन एक लड़की आई, ती शैताना बंधना होती, वो शैतान के बंधन में थी, पुष्कळचं सैन्य तिच्या शैतानच्या शरीरात होतं, शैतान का पूरी सेना उसके अंदर भरी हुई थी, त्यामुळे ते शैतान कोणाला ऐकून घेत नव्हतं, जिस कारण वो किसी के सुन नहीं रहे, ते बलाढ्य होतं, वो बहुत ताकतवर, ते सामर्थ्यवान होतं, वो सामर्थ्यशाली, ते कोणासमोर झुकत नव्हतं, किसी के सामने झुक नहीं रही थी, ते शैतान काढण्याचा मी प्रयत्न केला, उस शैतान को निकालने के हमने कोशिश की, देवाने अनेक शैतान बंधनातील लोकांना मुक्त केलं होतं, परमेश्वर ने अनेक लोगों को शैतान के बंधन से मुक्त किया, हे माझ्यासमोर एक मोठं आव्हान होतं, लेकिन ये मेरे सामने बड़ी सी बहुत चुनौती थी, त्या मुलीमध्ये एक मोठं सैन्य होतं, उस लड़की में एक शैतान की बड़ी सी एक सेना थी, मी येशूच्या नावाने काम करत होतो, मैं प्रभु येशु मसीह के नाम में कार्य करतो, पण ते सैन्य हटत नव्हतं, लेकिन वो उसके अंदर की जो सेना थी वो पीछे नहीं हट रही, तो ऐकत नव्हतं, वो शैतान सुन नहीं रहे, त्या मुलीला सोडत नव्हतं, वो उस लड़की को छोड़ नहीं रहा था, तो सर्वीकडे भय निर्माण करत होता, वो सभी जगह पे अपना डर फैला रहा, सर्वांना तो आव्हान देत होता, वो सभी को एक चुनौती दे रहा था, त्यावेळेस मी देवाला प्रार्थना केली, उस वक्त मैंने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवाला विनंती केली, परमेश्वर को विनंती की, तो वेळोवेळी कार्य केलं परमेश्वर, मैंने हर वक्त आपका कार्य किया, वेळोवेळी तो आम्हाला विजय दिला परमेश्वर, हर वक्त आपने हमें सफलता दी, अनेक लोकांना तो बंधनातून मुक्त केलं परमेश्वर, अनेक लोगों को आपने शैतान के बंधनों से मुक्त किया, भैया मुली संबंधी ऐसा का होता है, इस लड़की के बारे में ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुत का निगत नहीं, ये शैतान को मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा, ऐसा कारण का है, इसका कारण क्या है, यासाठी मी काय केलं पाहिजे, इसके लिए मुझे क्या करना, यासाठी मी रात्रभर देवाला प्रार्थना करत होतो, इसके लिए मैं दिन रात परमेश्वर को प्रार्थना करतो, देवाला विनंती करत होतो, हर वक्त परमेश्वर को मैं विनती करता, देवा माझ्याकडे हे सैन्य का ना निघालं, परमेश्वर ये शैतान की सेना मेरे द्वारा क्यों नहीं निकली, ते मंडळी फार आशेने लोक आले होते, वे लोग पूरी उम्मीदें लेकर इस कलीसिया में आए थे, ते स्वर तो लोक ऐकून आले होते, वे इस कलीसिया की सुसमाचार सुन के, ये नामच स्वर तो ऐकून ते लोक मंडळीत आले होते, इस कलीसिया का नाम सुनकर स्वर सुसमाचार सुनकर वो आए थे, ते फार आशेने होते, वो बहुत उम्मीद लेकर आए, प्रभु ते निराश झालेले आहे, परमेश्वर बहुत निराश होकर, मी प्रार्थना करत होतो, मैं प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा से देवाने मला उत्तर दिलं, पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया, देवाने मला सांगितलं, परमेश्वर ने मुझे बताया, यहोशू इथं प्रार्थना तुझी वाढो, तुम अपनी प्रार्थना बढ़ाओ, उपवास और प्रार्थना करो, ही जात आहे, ये जात, उपवास प्रार्थनेशिवाय जात नाही, ये उपवास और प्रार्थना के बगैर के बिना ये जाएगी नहीं, तू उपवास प्रार्थना मध्ये माझा सहवास वाढो, तुम उपवास और प्रार्थना में मेरे मुझ में तुम बढ़ो, तू उपवास प्रार्थना धर, तुम उपवास और प्रार्थना बहुत करो, मैं उपवास प्रार्थना करू लागलो, मैं उपवास और प्रार्थना करने लगा, देव कार्य करू लागला, परमेश्वर कार्य करने लगे, पुन्हा ते शैतान मत समोर आलं, फिर एक बार वो लड़की शैतान से जो बंधनों में थी वो मेरे सामने, ते सैन्य माझ्यासमोर पुन्हा आलं, वो सेना फिर एक बार मेरे सामने आई, त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताने मला विजय दिला, उस वक्त प्रभु येशु मसीह ने मुझे विजय दिया, त्यावेळेस शैतानला मी धमकावलं, जिस वक्त मैंने उस शैतान को धमकाया, त्यावेळेस तो देवाला शरण आला, उस वक्त वो परमेश्वर को शरण आया, देवासमोर त्याने आपलं डोकं टेकवलं, उसने अपना माथा परमेश्वर के सामने टेक दिया, यासाठी मला प्रार्थना उपवास करावी लागली, इसलिए मुझे प्रार्थना और उपवास करनी पड़ी, आमच्याकडे असे अनेक लोक येतात, हमारे पास ऐसे कई सारे लोग आते हैं, यासाठी आमची तयारी पाहिजे, इसके लिए हमारी तयारी जरूरी, आमच्या मंडळीच्या लोकांची तयारी पाहिजे, हमारे कलीसिया के लोगों की तयारी, आमच्या कामकरीची तयारी पाहिजे, हमारे कार्यकारी वर्ग की तयारी, आम्ही देवाकडे मागितलं पाहिजे, हमें परमेश्वर के पास मांगना है, वरदान मागितलं पाहिजे, परमेश्वर का वरदान, कारण वरदानाशिवाय कार्य नाही, क्योंकि वरदान के बगैर कार्य नहीं, आम्ही प्रवेशिकेकडे पाहतो, हम प्रभु येशू मसीह की ओर देखते हैं, प्रभु येशू की 30 वर्ष एका कुटुंबात राहिला, प्रभु येशू मसीह 30 सालों से एक परिवार में रहे, त्यांनी कुटुंब प्रेम केलं, उन्होंने उस परिवार पर प्रेम किया, कुटुंबाचे जबाबदार पालन केल्या, परिवार की सभी जिम्मेदारी को उन्होंने पूरा किया, सर्व गोष्टी त्यांनी हातभार लावला, सभी चीजों को उन्होंने मदद की, 30 वर्षानंतर 30 सालों बाद त्यांनी कार्याला सुरुवात केली, उन्होंने कार्य की शुरुआत की, 30 वर्ष 30 सालों तक तो पवित्र देवाचा पुत्र होता, वो पवित्र परमेश्वर के पुत्र थे, तो पवित्र जीवन जगत होता, वे पवित्र जीवन जी रहे थे, पर 30 वर्षानंतर, लेकिन 30 सालों के बाद पवित्र आत्मा आला, पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आला, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्म्याने, पवित्र आत्मा सामर्थ्याने, सामर्थ्याने प्रभूला अभिषेक केला,
प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य किया। त्यानंतर प्रभु यीशु मसीह ने कार्य शुरू किया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य शुरू किया। ये बाइबल में हम पातो, ये हम बाइबल में देखते, तो देवासा पुत्र होता, वे परमेश्वर के पुत्र थे, तो पवित्र जीवन तेने 30 वर्ष जगलो, उन्होंने पवित्र जीवन 30 सालों तक बिताया, पर तेने कार्य केले नाही, लेकिन उन्होंने कार्य नहीं किया। आम्ही पवित्र जीवन जगतो, हम पवित्र जीवन जीते, मंडळी मध्ये आम्ही पवित्र जीवन जगत असतो, हम कलीसिया में पवित्र जीवन जीते, तरी पण आम्हाला वरदानाची गरज आहे, फिर भी हमें वरदानों की जरूरत है, कारण वरदानाशिवाय कार्य होत नाही, की वरदानों के बगैर कार्य नहीं होते, वरदानाशिवाय आम्ही लोकांना बरे करू शकत नाही, वरदानों के बगैर हम किसी को चंगाई नहीं दे सकते, लोकांचे बंधन तोडू शकत नाही, लोगों के बंधनों को नहीं तोड़ सकते। प्रभु येशू ख्रिस्ताचे आम्ही उदाहरण पाहतो, प्रभु येशू मसीह का हम उदाहरण देखतो, तो देवाचा पुत्र होता, वो प्रभु येशू मसीह के पुत्र, तो मनुष्य रूप धारण करून आला होता, वो परमेश्वर के पुत्र थे, मनुष्य रूप लेकर, त्याच्यापासून आम्ही शिकण्यासारखं आहे, उनके द्वारा हमें सीखना है, तो पवित्र जीवन जगला, वे पवित्र जीवन जिए, ज्यावेळेस पवित्र आत्म्याचा सामर्थ्याचा अभिषेक झाला, जिस वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, त्यानंतर त्यांनी कार्याला सुरुवात केली, उसके बाद उन्होंने कार्य की शुरुआत, लोक बरे करू लागला, लोगों को चंगाई, बंधन तोडू लागला, लोगों के बंधनों को तोड़ने लगे। बाइबल का सांगतो, बाइबल क्या कहते, लूक शुभ वर्तमान, लूक का पुस्तक 4:18 मध्ये आम्ही काय पाहतो, 4:18 में हम देखते, त्या ठिकाणी उलगडा केलेला आहे, उसमें बताया है, प्रभु येशू ख्रिस्ताचा उलगडा केलेला आहे, प्रभु येशू मसीह के बारे में बताया, देवाचा आत्मा माझ्यावर आला, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर, देवाचा आत्मा माझ्यावर आला, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर, यासाठी, इसलिए, दिनास स्वार्थ सांगावी, लोगों को मेरा सुसमाचार बताया जाए, लोकांना स्वार्थ सांगावी, लोगों को सुसमाचार बताया, बंधनातील लोकांना मुक्त कराव, बंधनों से लोगों को मुक्ति मिले, अंधळ्या लोकांना दृष्टी प्राप्त व्हावी, अंधों को दृष्टि मिले, जे लोक त्रासात आहे, जो लोग तकलीफ में है, तकत्रा वेदना मध्ये आहे, जो यातना में है, त्यांना मुक्ति द्यावी, उन्हें मुक्ति मिले, लोकांना मार्ग दाखवा, लोगों को मार्ग मिले, यासाठी देवाने मला पवित्र आत्म्याचा अभिषेक केला, इसलिए परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक किया, की लोकांची सुटका व्हावी, ही लोगों को चंगाई मिले, लोकांचा उद्धार हो, लोगों का उद्धार हो, लोग बरे व्हावे, लोगों को चंगाई मिले, लोकांची बंधन तुटावी, लोगों के बंधन टूट जाए, लोकांना मुक्ति प्राप्त होई, लोग मुक्ति प्राप्त करें, यासाठी देवाचा आत्मा माझ्यावर आला, इसलिए परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया, देवाचा आत्मा आला, परमेश्वर का आत्मा आया, प्रभु येशू ख्रिस्ताने कार्य सुरू केलं, प्रभु येशू मसीह ने कार्य शुरू किया, तो कार्य करत राहिला, वे कार्य करते गए, आम्हाला भी शिकण्यासारखं आहे, हमें भी ये सीखने वाली बात है, आम्ही बाइबल वाचतो, प्रार्थना करतो, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आम्हाला आमचं तारण झालेलं आहे, हमारा उद्धार, आम्हाला नवीन जन्म प्राप्त झालेला आहे, हमें नया जीवन मिला है, पण आम्हाला देवाकडे पवित्र आत्मा मागण्याची गरज आहे, हमें परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा मागण्याची गरज, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आम्हाला वरदान देतो, मी वरदान देतो, आम्हाला देवामध्ये तयार करतो, मी परमेश्वर में तयार करतो, आम्हाला देवाच्या कार्यासाठी तयार करतो, परमेश्वर के कार्य के लिए हमें तयार करतो, अनेक वरदान तो आम्हाला देतो, और अनेक वरदानों से हमें भरते, अब त्या कार्यासाठी तो आमची नेमणूक करतो, उस कार्य के लिए वो हमें आगे चुनते, आमच्या इच्छेने नाही, हमारी इच्छा द्वारा नहीं, कोणते वरदान, कोई भी वरदान, कोणते दान, कोई भी वरदान, देव अपनी इच्छानुसार देतो, परमेश्वर अपनी इच्छानुसार, तुमच्या माझ्या इच्छेनुसार देव देत नाही, आपकी हमारी इच्छा द्वारा नहीं देते, बाइबल सांगतो, बाइबल कहते, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपले इच्छेचं दानाचं वाटप करतो, अपने इच्छानुसार वो तो मंडळी दान देतो, वो कलीसिया में वरदान देते, और मंडळीतून तो लोकांच्या गरजा पूर्ण करतो, और कलीसिया द्वारा वो लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं, फार महत्त्वाचं सहभाग, ये बहुत अहम, ज्या मंडळीत देव राहतो त्या मंडळीत तो असं काम करतो, जिस कलीसे में परमेश्वर रहते हैं उसमें ऐसा कार्य करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा का अभिषेक झाल्यानंतर त्यांनी कार्याला सुरुवात केली। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के बाद कार्य की शुरुआत की। आमच्या बाबतीत किती महत्त्वाचे भाग आहे। हमारे बारे में बहुत ही जरूरी बात। आम्हाला आत्मा ने भरलं पाहिजे। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आम्हाला वरदान भेटलं पाहिजे। हमें वरदान मिलने जरूरी है। आम्ही खटपट केली पाहिजे। हमें बहुत कोशिश करनी है। पौल म्हणतो खटपट करा। पॉल कहता है बहुत कोशिश करो। आध्यात्मिक दानाविषयी तुम्ही खटपट करा। आत्मिक वरदानों के लिए तुम बहुत कोशिश करो। उत्सुकता ठेवा। तुम उत्सुकता रखो। मियासाठी खटपट करा। उसे प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश करो। जो परम भेटत नाही तोपर्यंत देवाचा धावा करा। जब तक तुम्हें मिलता नहीं तब तक परमेश्वर को दुहाई दो। देव देण्यास तयार आहे। परमेश्वर देने के लिए तयार है। देवाची दया आहे। ये परमेश्वर की दया है। देवाची कृपा आहे। परमेश्वर की कृपा है। ये आम्हास योग्यतेचं लायकीचं बनवते। हमें उस योग्यता की वो बनाते हैं। वो आम्हाला तो दानाचं वाटप करतो। और हमें वो वरदानों से भरते हैं। तो आमचा उपयोग करतो। वो हमारा उपयोग करते हैं। मंडळीसाठी आमचा उपयोग करतो। कलीसिया के लिए उपयोग करते हैं। लोकांसाठी तो आमचा उपयोग करतो। लोगों के लिए वो हमारा उपयोग करते हैं। देवाचं कार्याचा विस्तार होता और परमेश्वर कार्य का विस्तार होता है। देव सर्व गोष्टी करतो। परमेश्वर सब चीजें करते हैं। देवाचा धन्यवाद करतो। ये हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये सर्व काम देवाचं आहे। ये सब कार्य परमेश्वर का है। देव अपने योजना संकल्प से करतो। परमेश्वर अपने योजना अनुसार करते हैं। आमची इच्छा पाहिजे। हमारी इच्छा जरूरी है। आमची
खटपट झाली पाहिजे. हमें बहुत कोशिश करनी है. देव आमचा उपयोग करतो, परमेश्वर हमारा उपयोग करतो. ज्या मंडळीत देव राहतो, जिस कलीसिया में परमेश्वर रहते, त्या मंडळीत अनेक वरदान देतो. उस कलीसिया में वरदान देतो. इफिसियों 4:11 प्रमाणे, इफिसियों 4:11 में देव प्रेषित लोक तयार करतो, परमेश्वर प्रेरित लोगों तैयार करते, देव सेवक संदेश तैयार करतो, परमेश्वर सेवकों को तैयार करते, देव स्वार्थिक तैयार करतो, परमेश्वर सुसमाचार बोलने वालों को तैयार करते, देव शिक्षक तैयार करतो, परमेश्वर ज्ञानी लोगों को तैयार करते हैं, देव तैयार करतो. ये केवल परमेश्वर तैयार, त्याच्या कार्याचा विस्तार, उनके कार्य का विस्तार, त्यामुळे मंडळीच्या सर्व गोष्टी तो तैयार करतो. इसलिए वो सभी कलीसिया के लोगों को तैयार करते, लोकांना तैयार करतो, लोगों को तैयार करते, लोकांचा उपयोग करतो, उन लोगों का वो उपयोग करते हैं, लोकांच्या गरजा आवश्यक पुरवठा होतो, लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं. दान नहीं तो प्रोड़ा नहीं, अगर वरदान नहीं तो निवारण नहीं. हे फार महत्वाचा भाग आहे, ये बहुत जरूरी बात. देव देण्यास उत्सुक आहे, परमेश्वर देने के लिए बहुत उत्सुक. 32 वर्षा काळात मी अनुभवला आहे, ये हमने अपने 32 वर्षों में इसका अनुभव लिया. एकदा मी चालत असताना, प्रवास करत असताना, मैं एक बार यात्रा में था, देवाचं गुणगान करत असताना, परमेश्वर का गुणगान कर रहा, कौतुक करत असताना, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा. एके दिवशी, एक दिन, पवित्र आत्मा आला, पवित्र आत्मा आया, तो मला माझी इच्छा आहे, उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि मंडळीला आता पवित्र आत्मा दान द्याव, मुझे अभी पवित्र आत्मा से इस कलीसिया को भरना है, यासाठी लोकांना शिक्षण दे, इससे तुम लोगों को, कलीसिया के लोगों को मेरा ज्ञान दो, लोकांना तयार कर, लोगों को तयार करो, दानाविषयी त्यांना माहिती दे, वरदानों के बारे में उन्हें जानकारी, मला पवित्र आत्मा मंडळीला द्यायचा आहे, मुझे पवित्र आत्मा इस फेलोशिप को दे, मला मंडळीला वरदान द्यायचं आहे, मुझे इस कलीसिया को वरदान देना, मला मंडळीला आत्मेने भरायचं आहे, मुझे इस फेलोशिप को पूरे पवित्र आत्मा से भरना, दानांनी भरायचं, वरदानों से भरना, माझी इच्छा आहे, ये मेरी इच्छा, यासाठी तू खटपट कर, इसलिए तू बहुत कोशिश कर, मंडळीला तयार कर, कलीसिया को तयार कर, मंडळीसाठी प्रार्थना कर, कलीसिया के लिए प्रार्थना, मंडळीला शिक्षण दे, इस कलीसिया को ज्ञान दो, मागा म्हणजे मिळेल, मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा, त्याप्रमाणे मी मंडळीला तयार केलं, उसके अनुसार मैंने कलीसिया को तयार केलं, मंडळीला शिक्षण दिलं, फेलोशिप को मैंने ज्ञान दिया, त्यामुळे मंडळी देवाच्या दानाविषयी उत्सुक झाली, उस वक्त पूरी कलीसिया परमेश्वर के वरदानों के लिए उत्सुक हुई, मंडळीचे सर्व लोक देवाला धावा करू लागले, कलीसिया के सभी लोग परमेश्वर को दुहाई देने लगे, आम्ही देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना केली, देवा तू आम्हाला अभिवचन दिलं आहे, परमेश्वर आपने हमें अभिवचन दिया, मी पवित्र आत्मा देईन, मैं पवित्र आत्मा दूंगा, मंडळीला वरदान देईन, कलीसिया को वरदान दूंगा, मंडळीला आत्मेने दानाने भरून टाकेल, इस कलीसिया को पूरे वरदानों से भर दूंगा, देवाने आमची आठवण केली, परमेश्वर ने हमें याद किया, देवाने पवित्र आत्मेने मंडळीला भरून टाकलं, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया को भर दिया, आत्मेने मंडळीला भरून टाकलं, पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया को मंडळीला दानाने भरून टाकलं, त्यांनी कलीसिया को पूरे वरदानों से भर दिया, देवाने मंडळीची वाढ करायला सुरुवात केली, परमेश्वर ने कलीसिया की बढ़ोतरी की शुरुआत, तो मंडळीत कार्य करू लागला, वो कलीसिया में कार्य करने लगा, वेगवेगळ्या प्रकारचे दान है, अलग अलग प्रकार के वरदान है, बाइबल मध्ये हम पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, पहले करंथी 12 अध्याय मध्ये पाहतो, पहले करंथियों 12 अध्याय में हम देखते हैं, 9 प्रकारचे दान है, 9 प्रकार के दान है, बुद्धिचं ज्ञान, ज्ञान का ध्यान, विद्येचं ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, निरोगी करण्याचं ज्ञान, आरोग्य देने का ध्यान, विश्वास दान, विश्वास का ज्ञान, अद्भुत कार्य करने की शक्ति, अद्भुत कार्य करने की शक्ति, आत्मीय ओळखने की शक्ति, आत्माओं को लोगों को पहचानने की शक्ति, अन्य भाषा बोलने की शक्ति, परमेश्वर की भाषा बोलने की शक्ति, अन्य भाषा से भाषांतर करने की शक्ति, परमेश्वर की भाषा का अर्थ देने की शक्ति, ऐसे 9 प्रकार के दान है, ऐसे 9 प्रकार के वरदान, 9 प्रकार के दान देव आज मंडळीत काम करता है, ऐसे 9 प्रकार के वरदानों से परमेश्वर इस कलीसिया में कार्य करता है, जो अपने इच्छेनुसार देतो, परमेश्वर अपनी इच्छा द्वारा करते हैं, हमें मांगितलं पाहिजे, हमें मांगना जरूरी है, हमें इतरांसाठी आमचा उपयोग झालाच पाहिजे, हमें दूसरों के लिए हमारा उपयोग होना जरूरी है, आम्हाला इतरांना मदत करायची, हमें दूसरों की मदद करनी, आम्हाला इतरांना सहाय्य करायचं, हमें दूसरों की सहायता करनी, इतरांना आम्हाला सोडवायचं, हमें दूसरों को छुड़ाना है, इतरांना आम्हाला सांत्वन द्यायचं आहे, दूसरों का निवारण करना है, आजारांना बरे करायचं आहे, बीमारी से चंगाई देणे, लोकांना विश्वासात घ्यायचं आहे, लोगों का विश्वास बढ़ाना है, आमचं भविष्य आम्हाला समजलं पाहिजे, हमारा भविष्य हमें समझना जरूरी है, सर्व गोष्टीसाठी, सभी चीजों के लिए देव आम्हाला दान देतो, परमेश्वर अपना वरदान हमें देतो, यासाठी आम्ही खटपट करा, जिसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी, प्रार्थना करा, प्रार्थना करा, देव आम्हाला देण्यास तयार आहे, परमेश्वर लेकिन परमेश्वर ने हमें तयार किया, देवाने आम्हाला वरदानाने भरलेलं आहे, परमेश्वर ने अपने वरदानों से हमें भर दिया, मंडळीला भी भरलेलं आहे, कलीसिया को भर, माझ्या कामकरीला भरलेलं आहे, मेरे कार्यकारी वर्ग को भरा, त्यातून देवाचं कार्य चालू आहे, उसमें से परमेश्वर कार्य चल रहा है, देवाचं विस्तार होत आहे, परमेश्वर के कार्य का विस्तार, दानामुळे, वरदानों के कारण आमच्या गरजा आवश्यकता पूरा होता, हमें हमारी जरूरतों की पूर्तता होती है, या विषय में अजान असावा देवाची इच्छा नाही, इसके बारे में हम अनजान रहे ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये आमच्या जवळ असावा, ये हमारे पास रहे, आमच्या मंडळीत असावा, हमारे कलीसिया में रहे, खटपट करा, इसके लिए कोशिश करें.
आनंदाने उत्सुकतेने देवाकडे मागा. आनंद से और पूरी उत्सुकता से परमेश्वर के पास देवाने सैन्य में देने तैयार है. क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं देने के लिए तैयार हूँ. मैं देने तैयार है. मैं देने के लिए तैयार हूँ. हमें फक्त मागा. तुम केवल मांगो. देव तुम्हाला मला देईन. परमेश्वर हमें देंगे. आमच्या मंडळीची तुम अधिक कार्य दिवस वाढेल. और हमारे कलीसिया में और परमेश्वर कार्य येणाऱ्या लोकांचं सांत्वन होईन. आने वाले लोगों का निवारण होगा. लोग बरे होतील. लोगों को चंगाई मिलेगी. भूते निघून जातील. शैतान निकल जाएगा. लोकांना मुक्ति प्राप्त होईल. लोगों को मुक्ति प्राप्त होगी. लोग आश्वस्त होतील. लोग आशीषित होंगे. लोकांना तारण भेटेल. लोगों को उद्धार मिलेगा. जीवन भेटेल. नया जीवन मिलेगा. देव मंडळीत लोकांना भेटेल. परमेश्वर कलीसिया में लोगों को देव मंडळीतून लोकांना मार्गदर्शन करेल. परमेश्वर कलीसिया द्वारा लोगों को मार्गदर्शन देंगे. देव मंडळीतून लोकांना खात्री देईन. परमेश्वर कलीसिया द्वारा लोगों को निश्चित कहेंगे. देव मंडळीतून काही गोष्टी प्रकट करेल. परमेश्वर कलीसिया द्वारा लोगों को चीजें प्रकट करेंगे. तो भविष्य प्रकट करेन. वे भविष्य बताएंगे. वरदान है भविष्य प्रकट करना असतात. वरदान ये भविष्य प्रकट करने तो प्रकटीकरण करतो. वो प्रकाशित करेंगे. सर्व गोष्टी तो आम्हाला विदित करतो. सभी चीजें वो विदित करेंगे. या संबंधी इसके बारे में पुढच्या बुधवारी आम्ही पाहूया. अगले बुधवार आप फिर देखेंगे. देव कसं वरदानातून काम करतो. परमेश्वर वरदानों में कैसे कार्य करते. पण असणे जरूरी आहे. लेकिन होना जरूरी है. हे पावलाने आम्हाला शिकवलेलं आहे. हमें पॉल ने सिखाया है. म्हणून देवासा मी धन्यवाद करता हूँ. परमेश्वर का हम धन्यवाद करता. देवासा मी महिमा करता हूँ. परमेश्वर की महिमा करते. तो सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. सबसे अहम बात है. येणाऱ्या 7 ऑक्टोबरला आने वाले 7 अक्टूबर को आम्ही वेळोवेळी प्रार्थना करत आहो. हम हर वक्त प्रार्थना कर रहे हैं. विनंती करत आहो. विनंती कर रहे हैं. देव आमची प्रार्थना ऐकत आहे. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं. अनेकांचे मनोदय प्रश्न सोडवत आहे. अनेक लोगों की जो समस्या को छुड़ा रहे. विशेष करून आमची प्रार्थना आहे. खास तौर पर हमारी प्रार्थना से उघडावं. प्रार्थना स्थल खुल जाए. तो देव प्रार्थना स्थल उघडत आहे. परमेश्वर प्रार्थना स्थल खोल रहे हैं. सर्वच प्रार्थना स्थल देव उघडत आहे. सभी प्रार्थना स्थल परमेश्वर खोल. देव आमची प्रार्थना ऐकत आहे. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं. देव दयेचा कृपेचा देव आहे. परमेश्वर दया कृपा से भरे परमेश्वर. दया आणणारा देव आहे. वो दया लाने वाले परमेश्वर. तो कृपा आणणारा देव आहे. वे कृपा लाने वाले परमेश्वर. लोकांमध्ये विसाव आणणारा देव आहे. लोगों में विश्रांती लाने वाले परमेश्वर. देवाने आमच्यावर दया केली. कृपा केली. परमेश्वर ने हम पर अपनी दया और कृपा बरसाई. आठवण केली. हमें याद किया. बंधूंचं एकत्र मिळणं देव करत आहे. मी बंधुओं को एकजुट परमेश्वर कर रहे. आमचं एकत्र मिळणं आहे. हमारा एकजुट होना आनंद आहे. या आनंद आहे. उल्लास देणार आहे. वो उल्लास देणे उन्नती करणार आहे. बढोतरी करणार. अनेक वर्ष आम्ही प्रतीक्षा करत आहो. अनेक सालों से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं. देव काम करत आहे. परमेश्वर कार्य कर रहे. म्हणून टाळ्यावर आम्ही देवाचं अभिनंदन करत आहो. टाळ्यावर से परमेश्वर का अभिनंदन. आम्ही देवाचं गौरव करत आहो. हम परमेश्वर का गौरव करते. देव आमचं प्रेम करतो. क्योंकि परमेश्वर हम पर प्रेम करते. वो आमचं दया करतो. वे हम पर दया करते. आमची आठवण करतो. हमें याद करते. विशेष करून आमचं तो ऐकतो. खास तौर पर हमारी प्रार्थना सुनते हैं. म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करतो. इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते. महिमा करता हो. उनकी महिमा करते. आभार मानता. आभार मानते हैं. तो सर्व जे मंडळीचे सभासद आहे. जो सब कलीसिया के जो सभासद हैं. तो सर्वांना एक सूचना आहे. उन सभी को ये सूचना है. येत्या 7 ऑक्टोबरला आने वाले 7 अक्टूबर के दिन प्रार्थना सत्र शुरू होता है. प्रार्थना सत्र शुरू होने वाले हैं. तो वार बुधवार नहीं तो गुरुवार आए. वो बुधवार नहीं बल्कि गुरुवार है. गुरुवार वार है. ये गुरुवार का दिन है. अपनी उपासना बुधवार आस्ते. हमारी आराधना ये बुधवार के दिन रहती है. तो बुधवार चाहे वो जी. लेकिन बुधवार के बदले अपन गुरुवार. हम गुरुवार के दिन सायंकाळी 7 ते 9 अपनी जी उपासना से मंदिर. शाम 7 से 9 हमारी जो आराधना होती है हमारे इस प्रार्थना भवन में. तो आपल्या प्रत्येकाला इसलिए हर एक व्यक्ति तैयारी करायची. अपनी तैयारी रखें. सर्व सभासदांना सभी सभासद सूचना है. ये उनको ये सूचना है. जे आपली पहिली उपासना होईल. जो हमारी पहली आराधना है गुरुवारी. वे गुरुवार के 7 ऑक्टोबरला 7 अक्टूबर के सायंकाळी 7 वाजता शाम 7 बजे नेहमीप्रमाणे हमेशा के वक्त पर आपण हॉल मध्ये आपली उपासना होणार आहे. इस प्रार्थना भवन में हम इस हॉल में हम इसकी सरकारचे सर नियमाचं पालन करून सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए त्याप्रमाणे आम्ही उपासना घेणार आहोत. हम उसी द्वारा हम अपनी त्याप्रमाणे प्रत्येकाने तयारी ठेवा. उसके अनुसार सभी लोग तयारी रखें. आपण सर्व एकत्र येऊन हम सब एकजुट रहेंगे. देवाचा गौरव करू. परमेश्वर का गौरव करेंगे. देवाचे आभार मानू. परमेश्वर के आभार मानेंगे. देवाचा महिमा करूया. परमेश्वर की महिमा करेंगे. सूचना आहे. ये सूचना जे नवीन लोक आहे. जो नए लोग हैं त्यांना मी आम्ही आमंत्रण देत आहो. उनको भी हम आमंत्रित करते. आम्ही नवीन बॅचेस चालू करणार आहो. हम नए बॅचेस शुरू करने वाले. मंगळवार हा वार आहे. मंगळवार का ये दिन है. आम्ही नवीन लोकांसाठी बॅचेस तयार करतो. हम नए लोगों के लिए ये बॅचेस रखते हैं. त्यांना शिक्षण देतो. उन्हें ज्ञान देते हैं. देवामध्ये त्यांची प्रार्थना करतो. परमेश्वर में उनके लिए प्रार्थना करते. देव त्यांना अनुभवाने अनुभवित करतो. परमेश्वर उसे अनुभव से अनुभव. वेळ तो समय मी पुढील ज्यावेळेस वेळ येईल त्यावेळेस तुम्हाला सांगेल. आने वाले दिनों में हम ये आपको वो समय बताएंगे.
ज्या लोकांना मला भेटण्याची इच्छा आहे, जिन लोगों को मुझे मिलने की इच्छा है, ये फोन द्वारे जो स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, त्याद्वारे तुम्ही संपर्क करा, स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमें तुमचे प्रश्न समस्या आम्हाला सांगा, आपके प्रश्न समस्या आप हमें बताएं, आम्ही तुमची प्रार्थना करू, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे, जर समक्ष भेटत असेल और खुद आपको अगर मिलना है तो फोन द्वारे आमची संपर्क करा, आप फोन द्वारा हमसे संपर्क कर, आम्ही वेळ देऊ, समय देऊ, हम आपको वक्त देंगे, समय देंगे, आम्ही तुम्हाला भेटू, हम आपको जरूर मिलेंगे, देवाणघेवाण करू, हम बातचीत करेंगे, एक में ओझे वाओ, एक दूसरे का बोझ उठाएंगे, देवाचे कार्याचा विस्तार करू, परमेश्वर के कार्य का विस्तार करेंगे, ही नोंद करा, ये आप लिख ले, येत्या शनिवारी, आने वाले शनिवार के दिन ज्या लोकांना भेटण्याची इच्छा आहे, जिन लोगों को मिलने की इच्छा है, हा शेवटला शनिवार असेल, ये अंतिम शनिवार है, ज्या लोकांना भेटण्याची इच्छा आहे, जिन लोगों को मिलने की इच्छा है, ते 7 ते 9 या वेळेस ते भेटू शकतात, वो 7 से 9 के बीच में हमें आके मिल सकते हैं, कारण पुढे प्रार्थना सल उघडणार आहे, क्योंकि आगे प्रार्थना सल खुलने वाले हैं, त्यामुळे आमची भेट होणारच आहे, इसलिए हमें हम आपसे हम मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, चला आपण प्रार्थना करू, चलिए हम प्रार्थना करें, सर्वांसाठी प्रार्थना करूया, हम सभी के लिए प्रार्थना करें, विनंती करूया, हम विनती करें, पवित्र 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 सेनाधीश प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं के प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी च उत्पन्न करते अब्राहम इसहाक याकूबच्या देवा, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करने वाले इब्राहिम याकूब और यूसुफ के परमेश्वर, आमचा प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रभु परमेश्वर, पुन्हा एकदा गौरव महिमा तुझी थोरी गातो परमेश्वर, एक बार आपकी महिमा आपकी थोरवी, हम तू सारखा देव नाही, आप जैसा कोई परमेश्वर, तू सारखा कोणीच नाही परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं, तूच एक देव आहे परमेश्वर, आप ही केवल परमेश्वर, तू सर्व सामर्थ्यशाली देव परमेश्वर, आप ही हमारे लिए एक सामर्थ्यशाली परमेश्वर, तूच एक आकाश और पृथ्वी व्यापून राहणारा देव परमेश्वर, आप ही आकाश और पूरे संसार में रहने वाले परमेश्वर, तुला सर्व गोष्टी साध्य होतात परमेश्वर, आपसे ही सभी चीजें मुमकिन होती, तुला आवड असं कोणतीच गोष्ट नाही परमेश्वर, आपको नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं, म्हणून आम्ही तुझं गौरव करतो, तुझ्या नावाचा महिमा करतो, आपका गौरव करते, आपकी महिमा करते, प्रभू परमेश्वर आज तू आम्हाला काय गोष्ट ज्ञान दिलं त्याबद्दल धन्यवाद करतो, आभार मानतो परमेश्वर, आज आपने जो हमें ज्ञान दिया इसके लिए हम आपके आभार मानते हैं, आध्यात्मिक दानाविषयी आम्ही अपरिचित नसावे तुझी इच्छा आहे परमेश्वर, आत्मिक वरदानों को लेकर हम अनजान बने रहे ये आपकी इच्छा नहीं है, ज्या मंडळीत आम्ही राहतो परमेश्वर, जिस कलीसिया में ज्या मंडळीत आम्ही सेवा करतो परमेश्वर, जिस कलीसिया में सेवा, ज्या मंडळीत दान असावे तुझी इच्छा आहे परमेश्वर, उस कलीसिया में वरदान रही आपकी इच्छा, प्रत्येक मंडळी मध्ये वरदान असावे तुझी इच्छा आहे परमेश्वर, हर एक कलीसिया में आपका वरदान बना रही आपकी इच्छा है, यासाठी पौल म्हणाला आहे परमेश्वर, इसलिए पौल ने कहा की आध्यात्मिक दानाविषयी आम्ही उत्सुक असलं पाहिजे, आत्मिक वरदानों के लिए हम उत्सुक बने, मंडळीच्या उन्नतीसाठी आम्ही ते दान प्राप्त केले पाहिजे, और कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए उस वरदान को हम प्राप्त कर सके, पुन्हा एकदा आम्ही गौरव करतो, नावाचा महिमा करतो परमेश्वर, एक बार हम आपका गौरव करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तो हम प्रेम करतो परमेश्वर, आपने हम पर प्रेम किया, आमच्या मंडळीवर तू प्रेम करतो परमेश्वर, हमारे कलीसिया पर आप प्रेम करते, मंडळीला अनेक दानाने तू भरलेला आहे परमेश्वर, कलीसिया को आपने अनेक वरदानों से भर दिया, मंडळीतील अनेक लोकांना तू आत्म्याने सामर्थ्याने ज्ञानाने बुद्धीने दानाने भरले आहे परमेश्वर, कलीसिया के हर एक व्यक्ति को आपने आत्मा से वरदानों से पवित्र आत्मा द्वारा सभी चीजों से आपने भर दिया है, त्याबद्दल आम्ही खरोखर तुझं धन्यवाद करतो परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करतो, प्रभु आमची योग्यता काय पात्रता काय परमेश्वर, परमेश्वर हमारी कोई योग्यता नहीं पात्रता नहीं, तुझं प्रेम तुझी दया आम्हाला योग्यतेचं पात्रचं बनवते परमेश्वर, आपका प्रेम हमें उस योग्यता और पात्रता के लायक बनाते, या मंडळीस तू कार्य करते परमेश्वर, इस कलीसिया में आप कार्य करते, अनेक लोकांना तू दुःखातून कष्टातून बाहेर काढलेलं परमेश्वर, अनेक लोगों को आपने दुखों से तकलीफों से बाहर निकाला, आज 32 वर्ष फेलोशिप मध्ये तू काम करते परमेश्वर, पिछले 32 वर्षों से अधिक आप इस फेलोशिप में कार्य कर रहे हैं, अनेक लोग आले परमेश्वर, अनेक लोग आपके, अनेक लोकांच्या गरजा आवश्यक तो पूर्ण केला परमेश्वर, अनेक लोगों की जरूरतों को आपने पूरा किया, अनेकांचे प्रश्न समस्या तू सोडवले परमेश्वर, अनेक लोगों की समस्याओं को आपने, हजार लोकांना तू बरे केले परमेश्वर, बीमारियों में से लोगों को आपने चिंगाई दी, मोठमोठ्या आजारातून लोकांना बाहेर काढलं तू परमेश्वर, बड़ी बड़ी बीमारियों से आप लोगों को चिंगाई दी, शैतान बंधनातून लोकांना तू बाहेर काढलं, शैतान के बंधनों से आपने लोगों को बाहर निकाला, व्यस्ततून अनेक प्रश्नातून लोकांना तू बाहेर काढलं परमेश्वर, नशे से अनेक चीजों से आपने लोगों को बंधनों से बाहर निकाला, लोकांचे प्रश्न समस्या मंडळी तू सोडवले परमेश्वर, लोगों की समस्याओं का निवारण आपने इस कलीसिया द्वारा किया, जे लोग रडत आले परमेश्वर, जो लोग रोते हुए त्यांचे आंसू तू पुसून टाकले परमेश्वर, उनके आंसू केवल आपने पोंछे, त्यांना सांत्वन दिले परमेश्वर, उनका निवारण आपने किया, त्यांना हिम्मत दिली परमेश्वर, आपने उन्हें हिम्मत से भर दिया, दुखी लोकांना हर्षभरित करून टाकलं परमेश्वर, आपने उनमें एक नई उम्मीद तैयार की, त्याबद्दल आम्ही खरोखर तू धन्यवाद करतो परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद, तू मंडळी तू कार्य करते परमेश्वर, इस कलीसिया में आप कार्य करते, या मंडळी तू लोकांची तू भेट घेते परमेश्वर, इस कलीसिया द्वारा आप लोगों को मिलते हैं, या मंडळी तू लोकांना तू पूर्ण करते, त्याबद्दल धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो, इस कलीसिया द्वारा आप लोगों की आवश्यकता को पूरा करें, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, तुझे आभार मानतो परमेश्वर, आपके आभार मानते हैं, आम्ही प्रत्येकाने परमेश्वर सर्व कुठे तयार असो परमेश्वर, हम हर एक व्यक्ति आपके हर एक
चीजें के लिए उत्सुक बने रहे अजुन अजुन तुझी सेवा वाला परमेश्वर और आपकी सेवा बढ़े अजुन अजुन कार्य वाला परमेश्वर और आपका कार्य बढ़े अनेक भूखे ताने लोकान आमची भेट व्हावी परमेश्वर अनेक जो भूखे प्यासे आपके लिए जो लोग हैं उनसे हम मिल सके त्यांना सर्व गोष्टी देता है परमेश्वर उन्हें हम आपकी सभी चीजें दे सके यस्ते अजुन अजुन तू कार्य कर परमेश्वर इसलिए आप कृपा करके कार्य करें अधिक अधिक लोकान तू तैयार कर परमेश्वर और अधिकतर लोगों को आप तैयार करें अधिक अधिक जो वरदान है लोकान भर परमेश्वर अधिकतर लोगों को आप आपके वरदानों से भर दे पवित्र आत्मा ने भर परमेश्वर पवित्र आत्मा से लोकान तारण माहित हो दे परमेश्वर लोगों को आपका उद्धार तुझे ओळख हो दे परमेश्वर वो आपकी उन्हें जानकारी समझ कार्य लोगों ओळख हो दे परमेश्वर आपके क्रूस की आप उनकी जानकारी लोगों से बचाव कर परमेश्वर लोगों का बचाव लोकांना अनुभव दे परमेश्वर और लोगों का अपना अनुभव आज आज उपस्थित असले सर्व लोकांसाठी प्रार्थना करतो आज सभी लोग जो इस वक्त मौजूद है हम उनके लिए आज आसन लोग या सभी मध्ये उपस्थित है परमेश्वर जो उम्मीद लेकर इस सभा में जो लोग मौजूद है उनके घर घर लोग है परमेश्वर जो घर घर में जो लोग मौजूद है प्रभु त्यांची तू भेट घे परमेश्वर परमेश्वर आप उन्हें मिले जे आजार आहे तुझ्या नामात त्यांना बरे कर परमेश्वर जो बीमारी में है आप उन्हें चंगाई दे जे बंधन आहे त्यांचे बंधन तुझ्या नामात सोडव परमेश्वर जो बंधनों में उनके बंधन आपके नाम में आप छुड़ाए जे व्यस्तते बन्नाते परमेश्वर जो नशे में है बन्नाते जो बंधनों में है प्रवेश त्यातून त्या लोकांना तो बाहेर काढ परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम में अपने बाहर निकाले अनेक लोग जखडलेले परमेश्वर अनेक लोग जो उलझे हुए अनेक लोग भयात है परमेश्वर अनेक लोग जो डर में जी अनेक लोग दर्पणा खाली परमेश्वर अनेक लोग बोझ के तले प्रवेश तो आहे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप मौजूद है यासाठी लोकांना तो हिम्मत दे धैर्य दे परमेश्वर इसलिए आप अपनी हिम्मत और धीरज से लोगों को भर दे तू त्यांना विश्वासात घे परमेश्वर अपने विश्वास में आप उन्हें बढ़ाए जे भटकले लोग है परमेश्वर जो भटके हुए लोग है जे हरवले लोग है परमेश्वर जो गुम हुए लोग है जे शांति जे भुकेले ताने लोग है परमेश्वर जो शांति के भूखे प्यासे लोग हैं अनेक गुट्टी के भूखे ताने लोग हैं परमेश्वर अनेक चीजों के भूखे प्यासे लोग हैं प्रवेश ऐसे लोगों को तू भेट दे परमेश्वर यीशु मसीह आप ऐसे लोगों को आप मिले ऐसा लोकांची तो आमची भेट करून दे परमेश्वर ऐसे लोगों को आप हमसे मिलाए ऐसे लोग तृप्त झाले पाहिजे ऐसे लोग तृप्त हो ये तुझी इच्छा परमेश्वर ये आपकी इच्छा यासाठी अशा लोकांची आमची तू भेट करून दे परमेश्वर ऐसे लोगों को आप हमसे मिलाए आज जे लोग उपस्थित है परमेश्वर आज सभी लोग जो मौजूद है जिनकी काही चिंता है परमेश्वर जिनकी जो भी चिंताएं तुझे नाम सोलो परमेश्वर आपके नाम में आप प्रत्येकला प्रत्येक गोष्ट कहू दे समझ दे परमेश्वर हर एक को हर एक चीज वो समझ देते घर घर तुझ शांति आवे घर घर में आपकी शांति घर घर लोग आनंदित हो परमेश्वर घर घर में लोगों को आनंद प्राप्त घर घर के लोगों तू तू समझ ले जाओ तू तुला ओळख ले जाओ घर घर के लोग आपको पहचान सके यस सत्य जीवन मंडली फेलोशिप इसलिए सत्य की जीवित मंडली फेलोशिप संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री मधून संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री द्वारा त्याला ओळख दे परमेश्वर आप अपनी पहचान उन्हें त्या लोकांना तू मार्ग दाखव परमेश्वर आप अपना मार्ग उन्हें दिखाए त्या लोकांना तू घेऊन ये परमेश्वर उन लोगों को आप इस कलीसिया मिले आए परमेश्वर कितने चांगला अनुभव दे परमेश्वर आप कितने अच्छे इसका अनुभव आप उन्हें होने दे तू देशील त्यावर धन्यवाद करतो है आप देंगे इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं आभार मानतो आपके आभार मानतो प्रवेश नाम ने मांगतो मन तो आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते इसलिए सुने आमीन 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 प्रेज लॉर्ड प्रभु की स्तुति हो पुढच्या बुधवारी पुन्हा आपण भेटू अगले बुधवार हम फिर एक बार मिलेंगे त्यावर देवाच्या वतीने आम्ही मार्गदर्शन करू हम परमेश्वर की ओर से आपको मार्गदर्शन देंगे काय सूचना है सूचना है त्यावेळेस मी विदित करू उस वक्त हम विदित करेंगे प्रेज लॉर्ड प्रभु की स्तुति हो